एडजस्ट कर लो, कई सारे डेमो लेने भी आए हैं तो वो भी जाएंगे, फिर वो दूसरी जगह पढ़ के फिर वापस आएंगे, तो तब तक एक है ना, तो वो व्यवस्था बन जाएगी, है ना। अब देखो, सबसे पहले तो एक बात नोट करो आप लोग कि मतलब अभी नोट नहीं करना है, अभी जब मैं कहूँगा तब नोट करना है कि जैसे आपने मौर्य, गुप्त और मुगल, ये तीन कला हैं। देखो काल और कला में क्या डिफरेंस है, एक बार ये देखो। एक होता है टाइम एज, है ना, काल, और अपने सिलेबस में क्या है, आर्ट। अपने सिलेबस में क्या है, कला है। जब अपन काल पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारे कंपोनेंट पढ़ते हैं, जैसे जानकारी के स्रोत पढ़ते हैं, है ना। आवाज कम है, ज्यादा है, कम कर भाई। फिर अपन पढ़ते हैं राजनीति, फिर अपन पढ़ते हैं समाज, फिर अपन पढ़ते हैं धर्म, फिर अपन पढ़ते हैं आर्थिक स्थिति, और फिर अपन पढ़ते हैं कला और संस्कृति। तो अपने जो सिलेबस है उसमें मौर्य, गुप्त और मुगल, इसका केवल क्या है, कला और अपने को ये सब नहीं पढ़ना, स्रोत नहीं पढ़ना कि मौर्य शासक थे, ये कैसे पता चला, कौन कौन से शासक थे, उनका प्रशासन क्या था, ये नहीं पढ़ना। उनके यहाँ समाज की स्थिति क्या थी, महिलाओं की स्थिति क्या थी, दास प्रथा थी या नहीं थी, ये सब नहीं पढ़ना। देवी देवता कितने प्रकार के थे, ये भी नहीं पढ़ना। और व्यापार वाणिज्य करते थे, खेती करते थे, पशुपालन करते थे, ये भी नहीं पढ़ना। अपने को केवल इनका क्या पढ़ना है, कला और संस्कृति। तो कला और संस्कृति का एक मिनट में बताता हूँ मैं, एक होता क्या है ना। पहले एक शब्द समझो आप, संस्कृति। आप इतने सारे बैठे हो, ये संस्कृति है, इसको रटो ही मत कि आप संस्कृति क्या है। आप इतने सारे बैठे हो, ये संस्कृति है कि किसी भी स्थान, क्षेत्र, देश के निवासियों का खान पान, रहन सहन, भाषा बोली क्या है, जैसे मूल रूप में हम सब मानव हैं भाई, हम सब क्या है, मानव हैं, लेकिन हमारे कपड़े पहनने का तरीका अलग अलग है, हमारे कपड़े अलग अलग हैं, पहन हम सब ने वस्त्र ही रखे हैं, लेकिन वो अलग अलग है ना। फिर हम सब भाषा बोलते हैं, लेकिन उसे भी बोलने का लहजा अलग अलग है। हम सब खाना खाते हैं, वो खाना जो खाते हैं वो भी अलग तरह का खाते हैं, ठीक है। तो हम जो आभूषण पहनते हैं, गहना पहनते हैं, वो भी जैसे सब लोग जैसे झुमकी पहनते हैं या कोई कुंडल पहनता है, तो वो भी अलग अलग है ना। तो ये सब क्या कहलाता है, संस्कृति कहलाता है, ठीक है। और कला का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही कलाकार है, मनुष्य के अंदर। इधर आ जाओ, जगह है यहाँ पे, बैग हटा लो भाई, है ना। अरे बंटी तू इधर आ जा, तू भी इधर आ जा, सुनील है ना, रास्ता खाली कर दे, कोई बुलडोजर ले आएगा फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना, है ना। इधर बैठ इस पे, यहाँ तो देख के क्या करना है, तो फीलिंग ले बस, ठीक है, दिखेगा नहीं, ठीक है, बैठ गए, फिर जगह यहाँ आ जाओ, आगे आ जाओ। जगह कभी नहीं होती है, बनानी पड़ती है, जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी, बनानी पड़ेगी, कर देंगे क्या, ये भी कर देंगे, पिक्चर हॉल खाली है, रॉकी हटी और पिक्चर खाली, बस हटने वाले दो चार दिन में, फिर अपन वहां ले लेंगे। तो अपने सिलेबस में क्या है, जब आप आगे एग्जाम देंगे सिविल का, आरएस देंगे, आईएएस देंगे, तो आपके वहां पूरा चैप्टर आएगा, ये मतलब सवाल आएगा, बड़ा सवाल आएगा, भारतीय संस्कृति और इसकी विशेषताओं को बताइए, क्या कारण है कि सब संस्कृतियां मिट गई, ये नहीं मिटी। तो वो इसीलिए सिलेबस का हिस्सा होता है, आर्ट एंड कल्चर। वो अल्लामा इकबाल का वो कविता भी है ना, मिट गए मिस्र, रोम और यूनान, कुछ बात है कि हस्ती, हाँ इसलिए। अब वो ऐसे नहीं है कि कैसे मिट गए, जैसे कि मिट गए मिस्र, रोम और यूनान, हालांकि अल्लामा इकबाल ने जब ये बात बोली, उसका नाम है इकबाल, अल्लामा का मतलब होता है विद्वान, उसका नाम इकबाल है, अल्लामा उसकी उपाधि है, उर्दू में अल्लामा का मतलब होता है विद्वान, इंटेलेक्चुअल। तो वो इतना इंटेलेक्चुअल था कि उसे उपाधि दे दी अल्लामा,
तो फिर नाम ही हो गया उसका क्या? अपने लोकल में कहते हैं ना बड़ा अल्लामी है, कहते हैं ना, तो वो इल्म से बना है अल्लामी। इल्म, इल्म का मतलब भी क्या होता है? ज्ञानी होता है। तो उसने कहा मिट गए मिस्र रोम और यूनान, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो ये जो लाइन लिखी हुई है इसका दूसरा अर्थ है जो सीधा हमको दिखाई नहीं देता है। मिस्र रोम और यूनान ये सब मूर्ति पूजकों के देश थे। जब मानव कबीले में रहता है ना, जब मनुष्य जंगल में रहता है या आदिम युग में रहता है या कबीले में रहता है तो वो मूर्ति पूजक होता है। पूरी दुनिया मूर्ति पूजक थी। आज अलग अलग समूह में अलग अलग धर्मों में है ना, तो मिस्र के लोग, यूनान के लोग और रोम के लोग सभी क्या पूजते थे? मूर्तियां पूजते थे। आज मिस्र तो मुसलमान है ना, और रोम ईसाई भी है, मुसलमान भी है, और यूनान कंप्लीट ईसाई है। तो वो जो मूल उनका धर्म था वो तो नष्ट हो गया ना। इसलिए इकबाल ने कहा मिट गए मिस्र रोम और यूनान, कि उनकी जो संस्कृति थी वो नष्ट हो गई। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कि यहां सबसे पहले ईरानी आए, अभी मौर्य कला शुरू कर रहे हैं तो उनकी बात होगी, सबसे पहले यहां ईरानी आए, ठीक है, 520 ईसा पूर्व में, यानी आज से 2600 साल पहले सबसे पहले ईरानी आए। फिर उनके पीछे 200 साल बाद अलेक्जेंडर आया, जिसको आप सिकंदर कहते हो। अलेक्जेंडर है उसका नाम, अपन उसको क्या कहते हैं? सिकंदर कहते हैं। वो आया, फिर उसके बाद यहां आए हिंद यूनानी, फिर आए हूण, फिर आए अरब, फिर आए तुर्क, फिर आए मुगल, और फिर आया अंग्रेज लुटेरा, है ना। ये तो विशुद्ध लूटमार करने आए। इनमें तुर्क और मुगल यहीं बस गए, यहां शासक बने, यहां की संस्कृति में भी उन्होंने योगदान दिया। तो इतने सारे यहां आए, लेकिन आप में से कितने लोगों के गले में क्रॉस है और माथे पे टोपी है? नहीं है ना। होगी तो 10%, 5%, 2%। मेजोरिटी में तो इस देश का वही धर्म है ना जो सनातन में था। इसलिए इकबाल ने कहा मिट गए मिस्र रोम यूनान, और हम नहीं मिटे, हमारी संस्कृति नहीं मिटी। बहुत सारे लोग हमें मिटाने के लिए आए, लेकिन उनकी यहां पार नहीं पड़ी। वो यहां या तो रह गए, नहीं चुपचाप मुंह लटका के चले गए। उन्होंने भले ही लिख दिया कि पोरस को अलेक्जेंडर ने हरा दिया था, उल्टा लिखा उन्होंने, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि इस मिट्टी को जब भी एहसास हुआ कि धरती संकट में है, तो इसने ऐसे वीरों को जन्म दिया जिन्होंने इस संस्कृति को बचाया। इसलिए सिलेबस का हिस्सा होती है ये कलाएं, कि मनुष्य के अंदर की जितनी भी अभिव्यक्तियां हैं, मनुष्य के अंदर के जितने भी विचार हैं, संवेदनाएं हैं, वो सब क्या कहलाती हैं? कला, 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 कला कहलाती है। तो मानव जन्म से ही क्या है? कलाकार है। हम सब भी क्या हैं? कलाकार हैं, ठीक है। हाँ, और कर रहे हैं कि हाँ हम कलाकार हैं। अरे डस्टर कहाँ गया? अब देखो, तो ये सब क्या, अपने पास समय नहीं है। नहीं, आपको पहले बताते हैं कि कला क्या होती है, संस्कृति क्या होती है, सभ्यता क्या होती है। अपन डायरेक्ट टॉपिक पढ़ेंगे अभी, वो जानने की चीजें हैं, उनसे आपके एग्जाम में सिलेबस में आपके एग्जाम में सवाल नहीं आएगा। आप अगर हिस्ट्री ऑप्शनल से देंगे तो फिर आपसे सवाल पूछेगा भारतीय संस्कृति का मूल आधार है कि ये नहीं पढ़ा हमने, तो ये पढ़ा है कि सिंधु सभ्यता किसे कहते हैं, है ना। तो जब भी आप ऑप्शनल पढ़ें तो सबसे पहले ये पढ़ें कि कला और संस्कृति होती क्या है। सिलेबस में भी दे रखा है शायद पहला टॉपिक जिनके हिस्ट्री है। अब देखो, अभी पता चल जाएगा कला का डिवाइडेशन कैसे होता है। सारा इतिहास राजाओं का इतिहास है। सारा इतिहास किसका इतिहास है? राजाओं का इतिहास है। या तो राजाओं ने खुद ही लिखवाया, या तो राजाओं ने, वैसे हमको पता नहीं था हम इतने डिमांड में, ये एकदम से कैसे हुआ? नहीं, अरे वो आपके स्कूल लेक्चर में क्या है कि दो टॉपिक फर्स्ट पेपर में जरूरी है। फोन बंद कर लो, मेरा भी फोन है पर मेरा बंद ही रहता है, मुझे कोई फोन करता ही नहीं है, क्योंकि हमेशा क्या रहता है? ऑफलाइन रहता है हमेशा, जरूरत ही नहीं है। तो ये बंद रखो, तुम्हारे सामने तो महान उद्देश्य है, हमारे सामने तो कुछ बचा है नहीं है जिंदगी में। हम तो बस कंडक्टर की तरह हो गए हैं कि बस चलो आ जाओ और फिर चलो फिर आ जाओ। तुम्हारे सामने तो महान उद्देश्य है ना, तो फिर बंद रखा करो इस फोन को। स्कूल लेक्चर में जो पहला पेपर है इसमें 15 सवाल तो उसके आएंगे मैनेजमेंट के, है ना, ठीक है। और उसका टीचर हमारे ही पास है, क्योंकि हमने ही उसे जन्म दिया था, है ना, ठीक है। वो शुरुआत होती है ना तो बहुत मुश्किल से होती है, क्योंकि तुम लोग बहुत विरोध करते हो,
तुम लोग परिवर्तन को स्वीकार थोड़ी करते हो, तुमको मनोज सिंह से हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, उसे खुद को अक्सर नहीं आए, है ना। तो ऐसे ऐसे कुछ इस फील्ड में नाम प्रचलित हो जाते हैं, तुम उनके पीछे दौड़ते हो, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा इस बात का विरोध करता हूँ। कद्र उसकी होनी चाहिए जिसमें टैलेंट है, वो कोई भी हो, कल आप में से भी कोई आएगा आगे, क्योंकि जो खड़ा है वो गिर जाएगा, जो आज स्थिर है वो नष्ट हो जाएगा, नए का जन्म हो जाएगा, यही तो परिवर्तन है ना। दूसरा, 15 सवाल हिस्ट्री के आते हैं, 30 हो गए ये, और 30 में से हम 50 सही करा देंगे, ये तय बात है। या तो आप अभी मान लो 30 गुणा कितने हुए, 60 नंबर हुए, तो 60 में से हम 50 ला देंगे, ये तय बात है। या तो आप अभी मान लो या फिर एग्जाम देके मान लेना। पिछली बार भी ये कहते थे, पिछली बार हमने एक बुकलेट लॉन्च की थी जो तुमको क्लास में पढ़ाया था उसका ही, मैंने कुछ नहीं बनाया उस, मैंने अक्सर ही नहीं लिखा उसमें, ये जो मेरे हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं इन्होंने ही उसकी प्रूफ रीडिंग कर ली, जितना इनमें दिमाग था इन्होंने देख लिया, उसको छाप दिया, और फिर मुझे क्या अच्छा नहीं लगा कि इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, तो मैंने कहा ये ठीक नहीं है, मेरा कुछ है ही नहीं इसमें, क्लास नोट्स हैं ये, तो मैंने वो वापस ले ली बच्ची सारी। आप देख सकते हो कि हमने जो टेस्ट पेपर लिए क्लास में, टॉपिक के बाद टेस्ट लेते हैं ना हम, तो उसमें से भी डिटो सवाल है, यों कि यों। मुझे ऐसा लगा कि पेपर सेटर ने वही उठा ली होगी और छाप दिया होगा। तो आप योजना बनाओ इसकी, 60 में से 50 नंबर यहाँ लाओ, और 15 एक नंबर इधर उधर से ले आओ, तो 70 एक नंबर आप ले आओगे ना, तो आपका एक सम्मानित स्कोर होगा, और आपका सब्जेक्ट अगर ठीक है तो आपको दुनिया में कोई पास होने से नहीं रोक पाएगा। लेकिन आप सोचते हो कि मैं 150 में से 145 लाऊंगा, और फिर आपके नंबर आते हैं 15, है ना। जो फेल हुए उनसे पूछ लो। तो इसकी प्लानिंग करो पेपर फर्स्ट की, इसमें नंबर लाना बहुत टिपिकल नहीं है, लेकिन प्लानिंग करोगे तो आएगा। जैसे आप लोग समझते हो कि हम मैथ में नंबर लिए हैं, ये तो बाइक रेस पास हुई अपन 10वीं में, नहीं कि अंग्रेजी में नंबर लिए हैं, कि वो हमारे दादाजी के टाइम से विरोध हो रहा है उसका 1835 से। तो सिलेबस बहुत समझदारी से बनाया जाता है। आर्ट्स वालों के लिए मैथ, रीजनिंग, अंग्रेजी और साइंस नहीं है। साइंस वालों को यहां बेनिफिट है, तो उनके ये दिक्कत है। सबका बराबर ही सिलेबस हमेशा समझदारी से बनाया जाता है, ऐसा नहीं है वॉर्म बना दिया जाता है। तो इसलिए इसमें नंबर लाने की एक वो है, प्रोसेस है। मेरे पास हिस्ट्री में दो नमूने हैं जिनके नंबर आ रखे 90-90, फेल हो गए। फर्स्ट पेपर में 90 नंबर आ गए ना, तो सब्जेक्ट में फेल होंगे ही, क्योंकि वो सिर्फ क्या पढ़ रहे थे, फर्स्ट ईयर पढ़ रहे थे। तो ऐसा नहीं है। देखिए, मैं उनको रोज बुला के कहता कि अपने हिस्ट्री कैसे चल रहे, सही चल रही है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है, कैला देवी की कृपा हो जाएगी अब की बार। मैंने तो लांगुरिया थोड़ी है जो कैला देवी कृपा हो जाएगी, हिस्ट्री पढ़ेगा तो कृपा होगी। नहीं माने और दोनों बार से फेल हो गए। पिछली बार भी उनके 88 आए थे, अब की बार 90 आए। जीके में ही बढ़ाए 2 नंबर, हिस्ट्री में नहीं बढ़ाए 10 नंबर। तो आप प्लीज, मतलब आपको हम इसलिए बताते हैं सब बातें कि आप लोग अनुभव से गलती करते हो। आप पहले हमारी बात मान जाओ, हमने भी ये गलतियाँ की हैं, हम बहुत सारे स्टूडेंटों को देखते हैं, तो उनका फीडबैक है ये। तो आप इसकी प्लानिंग बनाओ, इसमें देखो कि हमारा 40-45 जो क्वेश्चन है सही कर दें, ताकि हमारे 70-75 नंबर आ जाएं, और हम सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग रखें। हम अगर 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ें तो 2 घंटे सब्जेक्ट भी पढ़ें, और अगली बार तो मिनिमम कितना कर दिया इसका, तो बड़ी दिक्कत हो गई है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। तो या तो मैं राजा हूँ, या आप राजा हो, या कोई और राजा है, तो इतिहास या तो मैंने लिखवाया, या आपने लिखवाया, किसी और ने लिखवाया, या फिर हमको प्रसन्न करने के लिए किसी और ने लिखा, चंद्रप्रदाई जैसों ने। पृथ्वीराज मर तो यहाँ गया था सिरसा में, और उसको मारा वहाँ गजनी जाके। इतिहास की विडंबनाएं हैं, इतिहास की दिक्कत है, हम खूब चर्चा करेंगे इन पर। तो इतिहास राजाओं का है, राजाओं ने लिखवाया, या राजाओं को प्रसन्न करने के लिए उनके दरबारियों ने लिखा, या फिर किसी तीसरे पक्ष ने इनाम पाने के लिए लिखा। इसलिए कला भी है तो पूरी क्या है, राजकीय कला। अच्छा, रामायण किसका, एक बार भूलो, एक बार ऐसे भूलो कि भगवान श्री राम भगवान नहीं है, है ना। हालांकि ये बहुत टिपिकल टास्क है ये मानना आप, लेकिन एक बार ऐसे इमेजिन कर लो, जैसे अपन कहते हैं माना कि एक्स, तो अगर अपन भगवान राम को राम नहीं माने, केवल एक राजा माने, तो रामायण 2 राजाओं के बीच का युद्ध है ना। रामायण 2 शासकों के बीच का ही तो युद्ध है फिर। और अगर हम श्री कृष्ण को भी अवतार नहीं माने और केवल एक राजा माने जिसका राज्य स्थापित होने वाला था, तो क्या वो राजाओं का युद्ध नहीं है, राजाओं का युद्ध है ना। तो सारा इतिहास ही राजाओं का इतिहास है, और क्योंकि जीतने के बाद लिखा उन्होंने, विजयी होके लिखा, तो पराजित पक्ष की बुराइयों के अलावा और कुछ भी।
दुर्योधन इतना बुरा रहा, इतना बुरा रहा कि फिर किसी हिंदू ने अपने बेटे का नाम दुर्योधन है आपकी नजर में कोई नहीं है ना? नहीं है ना? अरे नहीं है, फिर किसी माँ ने अपने बेटे का नाम दुर्योधन? लेकिन उसमें कोई तो अच्छा ही रही होगी यार, उसने कर्ण जैसे एक निम्न जाति के व्यक्ति को, बाद में पता चला कुंती का बेटा है, उसको अंग का राजा बनाया ना, उसमें अच्छा ही थी ना, ठीक है ना। इसलिए जो विभीषण था रामायण में, वो अपने भाई को छोड़ के किधर आ गया था बताओ? हिंदुओं में किसका नाम विभीषण है नया, है ना? हाँ, तो वो तो नमू नहीं होगा था फिर, ठीक है ना। ऐसे तो वो चंद्रशेखर रावण भी है ना, बस उसके पास लंका नहीं है, क्योंकि वो किसके पास है? बाबा के पास है। तो ऐसा तो, ऐसे तो कुछ भी आप अपनी मर्जी से कह दो कि मैं ही राम हूं, कहने में क्या जाता है? अपन कह भी रहते हैं तुम भी कोई डायनेस्टी के राजा तो हो गई होगे, ठीक है। तो ये जो जितना भी कला है, ये कैसा कला है? सब जगह कंप्लीट। इसका अपन अलग से बखान नहीं करेंगे कि गुप्तों में अलग से बखान करें, मुगलों में अलग से करें, जितनी भी कला होगी वो कैसी होगी, क्योंकि इतिहास किसका है। फिर भी कुछ ऐसे सिर फिरे लोग थे जिन्होंने ये कहा, नहीं मैं अपनी दुकान खुद ही चलाऊंगा चाहे कुछ ही हो जाए। हर युग में होते हैं ऐसे, हर युग में होते हैं। आजकल हमारे कोचिंग लाइन में क्या ट्रांजेक्शन फेज चल रहा है, बड़े बड़े क्या है वो, इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा तो कम हो गया है, तो मतलब एक कमरे जितना बड़ा पैसा है उनके पास फुल भरा हुआ है, MNCs उनमें इन्वेस्ट कर रही हैं, खरीद रही है ना इक्विटी, और फिर वो लोग कहते हैं कि तुमको खरीद लेते हैं, कि रोज का नौटंकी है ये, रोज की हमारे बाजार में, है ना। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम तो अपनी दुकान अलग चलाएंगे, जबकि ये पता, ये खूब पता है उनको कि हमारा विनाश होने ही वाला है। तो ऐसे भी तो सिर्फ रे लोग थे जिन्होंने कहा, नहीं मैं तो अपनी मूर्ति अलग ही बनाऊंगा, मैं तो नहीं बनाऊं राजा के दरबार में जाके। जैसे बैजू बावरा अकबर के समय, जैसे हरिदास जी महाराज तानसेन के गुरु, है ना, ऐसे युग में। तो उस समय तो लोगों ने उनकी आलोचना की, ये तो सिर फिरा है, लेकिन आज अपन उनकी बात कर रहे हैं ना, तो वो कला क्या कहलाई? लोक कला। इसका मतलब होता है जन कलाकारों ने मूर्तियों का निर्माण। भाई पिछली फर्स्ट ग्रेड से मैंने पढ़ाना शुरू किया 2015 के वाली से, और इस बार इन दो फर्स्ट ग्रेड हो गई, तो मैं पहले दिन से लिखा रहा हूँ कि यार इससे सवाल पूछेंगे, इससे पूछेंगे सवाल, और इसका पहला सवाल पूछ लिया RS में, RSPT में, कि लोक कलाकारों ने जो मूर्तियां बनाई वो कॉम्बिनेशन पूछ लिया, कि परखम ग्रामणी की, त्रिमुखी यक्षक, एकमुखी यक्षक, रीधर ग्रांज, है ना। तो ये लोक कलाकारों ने जो मूर्तियां बनाई वो थोड़ी सी हैं, है ना, जैसे चट्टान धौली उड़ीसा से, चट्टान पे एक हाथी की मूर्ति मिली है जिस पे गजोत्तम लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा है, मतलब एक पेज का है और एक सवाल है अगर आएगा तो, और इधर पूरा महाभारत है, क्योंकि ये राजाओं का है, वो तो सिर्फ रे लोग कमी है ना। बाकी हमेशा कैसे लोग होते हैं जो आराम की जिंदगी चाहते हैं, कि अपन राजा के साथ मिल जाते हैं और सरकार जब तक रहेगी तब तक अपन आनंद करेंगे, जब इनकी सरकार चली जाएगी तो अपन दूसरे के साथ हो जाएंगे। तो जब कला होती है तो कला में हमेशा होता है स्थापत्य, कला में हमेशा क्या होता है? स्थापत्य यानी निर्माण। तो स्थापत्य में जब अपन बात करेंगे तो सबसे पहले सम्राट अशोक के अभिलेख, सम्राट अशोक के अभिलेख, और सम्राट अशोक के अभिलेख कितने प्रकार के थे? सम्राट अशोक के अभिलेख 3 प्रकार के थे, यह तुमको किसने बताया? नहीं पहले से जानते हो तुम, मैंने कुछ नहीं बताया, मैं कभी कुछ नहीं बताऊंगा, मैं कोई कुछ बताने की स्थिति में ही नहीं हूं। मैं तो तुमको पढ़ाने से पहले ही नर्वस था, मैंने कि यार मैं क्या पढ़ाऊंगा उनको, इतने विद्वान लोगों को। हाँ सही में मैंने सब्जेक्ट क्लास 1 घंटे पहले ही छोड़ दी, मैंने कि तुम जाओ रे आज, कि मुझे खुद को एहसास दिलाना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। जब क्या तुम्हारे जैसे थे, जब मैं पढ़ाना शुरू किया ना तो मुझे ऐसा लगता था मैं ही खुदा हूँ, और जैसे जैसे पढ़े ना
वैसे वैसे पता लग गया है कि कुछ भी नहीं आता है, फालतू बेवकूफ बना रहे हैं। तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि के आधार पे सम्राट अशोक के अभिलेखों को तीन भागों में बांटा जाता है। तो सवाल पूछा मैंने तुमसे कि किसने कहा कि तीन भाग हैं, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि के आधार पे सम्राट अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो बांटने का तरीका पता चल गया, सम्राट अशोक के अभिलेख तीन प्रकार के हैं, किसने कहा? हाँ, सवाल जानो हमेशा हमेशा, और टॉपिक पढ़ते हुए ये देखो इसमें से नए सवाल कौन से बन सकते हैं, तो अपन जीत जाएंगे ये जंग, नहीं तो क्यों हार जाएंगे, हार का नाम ही बुरा है, जीत ही जाएंगे। तो एक तो स्थापत्य में क्या है, दूसरा है स्तूप, क्या है स्तूप, फिर है नगर नियोजन, क्या बने, शहर बने, नए शहर बनेंगे ना, तो वो भी। अब क्या है कि स्थापत्य में मुद्रा प्रणाली नहीं आती, लेकिन मुद्रा एक ऐसी चीज है जो क्या टेक्नोलॉजी है, सिक्के ऐसे थोड़ी ना बनते हवा में, जैसे अपन बना देते सिक्का, एक सिक्का कॉइन्स जो है वो टेक्नोलॉजी से बनता है, तो वो तकनीक में आता है ना, और तकनीक फिर किस में आती है, अरे जैसे अपन कुछ बनाएंगे अच्छा सा तो वो सजावट तो लगेगा ना, तो सिक्के सजावट के भी काम में भी तो आते हैं। तो मैं से कई सारे से हिस्ट्री में मेरा एक स्टूडेंट है, उसने बहुत सारे सिक्के इकट्ठे कर रखे हैं, मैंने कहा संभाल के रख, आने वाली पीढ़ियां तेरा भी नाम लिखेंगी, सिक्के इकट्ठे कर रखे उसने खूब सारे। तो सिक्के कला में आते हैं, किस में आते हैं, क्योंकि वो तकनीक में आता है, और तकनीक किधर आ जाएगी, स्थापत्य में आ जाएगी। तो मुद्रा प्रणाली, तो ये सारी चीजें अपन किस में पढ़ेंगे, स्थापत्य में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद है भाषा, साहित्य और शिक्षा, आपके टॉपिक है सिलेबस में, तीन टॉपिक हैं, प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली, मुगल काल में शिक्षा प्रणाली, और ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। आपके इन तीन टॉपिकों से कम दो सवाल आने ही आने हैं, फिक्स है। तो इनको एक साथ ही पढ़ा करो, जब शिक्षा पढ़ो तो प्राचीन भारत में शिक्षा, फिर मुगलों की शिक्षा, और फिर ब्रिटिशर्स की शिक्षा। तो अपन यहां शिक्षा नहीं पढ़ेंगे, ये शिक्षा कहां पढ़ेंगे अपन, प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली, टॉपिक है ना पूरा, तो पूरा डेवलपमेंट है, तो प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली में पढ़ेंगे। यहां अपन केवल क्या पढ़ेंगे, भाषा और साहित्य। अब ये हो गया, लेकिन ऐसा मान सकते हैं कि मतलब जनरल जानकारी दे देंगे आपको, कला से उसका कोई मतलब नहीं है। सम्राट अशोक का धम्म और धर्म, बस वैसे जानकारी के लिए, बाकी इसका कला से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो आप जो भगवत गीता खरीद के रखते हो ना, है ना आपके सबके पास, तो उसमें ये बहुत सारी बकवास दे रखी है, तो आपके मन में सवाल उठता है कि यार ये क्यों नहीं पढ़ाया, तो इसलिए वो जानकारी दे देंगे आपको, हालांकि वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है, सिलेबस तो ये होता है। तो देखो इस पूरे को, मौर्य कला को देखो आप, है ना, तो इसमें सबसे भारी क्या दिख रहा है आपको, और स्थापत्य में सबसे हैवी क्या है, तो ये तय है देवी और देवताओं कि जिस किसी सिलेबस में मौर्य हिस्सा है वहां से फिक्स है सम्राट अशोक का सवाल आएगा, ये अनिवार्य कर्म कांड है ना। तो अपन इसी को शुरू करते हैं, यहीं से बनाओ आप ये, सुनील ये पानी की बोतल देने यार, एक सवाल से करवा देंगे आपका आज की क्लास में, बाकी कल देखेंगे। फटाफट लिखने में मतलब बुलेट ट्रेन की स्पीड, ये क्या है कि शिकायत करने का समय नहीं है, ये सिर्फ
व्यवस्था बनाने का समय है। क्या है कि 6 घंटे हिस्ट्री पढ़ने में आपके कई टॉपिक तो आपको ऐसा लगेंगे बढ़िया है ना। अरे तो कोचिंग वाले तो कुछ ही कह देते हैं, तो इनके कहने पे ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा लगेगा आपको कि यार ये ज़्यादा हो गया है। मैं हमेशा ही उस चीज़ का विरोध करता हूँ जो स्टूडेंट्स के लिए फ्रूटफुल नहीं होती है। तो 6 घंटे मुझे पढ़ाने में दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ाने में दिक्कत है। हट जाऊँ तब मैं कहाँ जाऊँ हट के। 3 घंटे पढ़ेंगे तो थोड़ा इजी गोइंग रहेगा, और ये ऐसे टॉपिक हैं कि 6 घंटे पढ़ाते ही टॉपिक पूरा हो जाएगा और आपको लगेगा बस पूरा ही हो गया है, हमको तो पता लगा नहीं है इसने क्या पढ़ाया है। लिख दिया चार लाइनें तो लिखनी है, लिख दिया बंटी फटाफट लिख। देखो लिख दिया ना, नहीं तो जो अपन जब टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे अपने ये सिलेबस में टॉपिक है मौर्य कला, गुप्त कला, मुगल कला है ना, तो अपन टॉपिक पढ़ लेंगे पूरा, और फिर भी कई बार ऐसी स्थिति आ जाएगी कि अपने से सवाल नहीं होएगा, क्योंकि अपन ने टॉपिक पढ़ लिया और खत्म कर लिया। हमेशा देखो कि मौर्य कला की विशेषता क्या है, क्या है ये हम लोगों को भी हर सीजन में अपडेट करना पड़ता है हर बार। जैसे आप पिछली बार वो बुकलेट देखोगे, नोट्स देखोगे, नहीं मिलेगी बहुत सारी चीजें, क्योंकि वो पिछला युग था ना, अब तो नया युग है, इसके बाद फिर एक और नया युग आएगा। तो मैंने इसमें देखा, इसमें नया सवाल बनेगा कभी ना कभी, निश्चित तौर पर बनेगा, क्योंकि सिविल में वो सवाल पूछ रखे हैं कि मौर्य कला की विशेषताओं के बारे में एक आलोचनात्मक टिप्पणी करो। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव भी आसान सा वन लाइनर सवाल बन सकता है कि कौन सी मौर्य कला की विशेषता नहीं है। ऐसा सवाल पूछने में कहां समस्या है? कौन सी गुप्त कला की विशेषता नहीं है, कौन सी मुगल कला की विशेषता नहीं है? तो हमेशा आप टॉपिक में देखो क्या नया बनने की संभावना दिखाई दे रही है। पूरा टॉपिक पढ़ लिया हमने, अब मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, मौर्य कला की विशेषता बताओ। ये पता नहीं है हमसे, ये पूछो सम्राट अशोक के अभिलेख कौन कौन से थे। ये छोटी छोटी दिक्कत है, गांधी जी कहते थे ना छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें। तो मौर्य कला की पहली विशेषता यह है कि भारत में पहले जो भी बन रहा था, अब कला का मतलब समझ में आ गया ना, स्थापत्य में, तो जो भी निर्माण हो रहे थे वो ईंट से और लकड़ी से हो रहे थे। भारत में पहले जो कुछ भी बना वो किससे बना? ईंटों से। और सम्राट अशोक ने कहा मैं पत्थर से बनवाऊंगा। तो मौर्य काल की सबसे प्रतिनिधि विशेषता है कि इस काल में लकड़ी और ईंटों का स्थान पत्थर ने ले लिया। एक पता चल गई विशेषता। इस युग की दूसरी विशेषता है, इस युग की दूसरी विशेषता यह है कि सम्राट अशोक के जो स्तंभ हैं उनको अगर आप देखोगे, अभी गूगल में देखना, मतलब हमारा समाज एक नई तरफ जा रहा है। 21वीं शताब्दी में हम लोग आलोचक होते जा रहे हैं, और ये बहुत अच्छी चीज है। अगर युवा पीढ़ी आलोचक हो गई तो निश्चित तौर पे वो नया देश बना देगी, नए तरीके का देश बना देगी, है ना। तो आप जब गूगल में देखोगे तुरंत सम्राट अशोक के स्तंभ, क्योंकि सारनाथ स्तंभ अपना क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक है ना यार है ना। तो आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी फैक्ट्री से निकल के आए क्या, आज ही बनाया है क्या। मतलब सम्राट अशोक का कार्यकाल है 269 से 272 ईसा पूर्व, है ना, यानी आज से 2300 साल पहले, 2400 साल पहले आज से, है
है ना। तो आज से 2400 साल पहले जो स्तंभ बनाए वो अभी ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी फैक्ट्री मेड हैं, पॉलिशदार। दूसरी विशेषता क्या है? चमकदार और पॉलिशदार, अल्टीमेट दिख रहे हैं। आप देखना गूगल पे तुरंत जाते हैं क्लास के बाहर कि सम्राट अशोक का स्तंभ, तो तुरंत आएगा और ऐसा लगेगा कि अभी अभी फैक्ट्री से निकल के आया है। तो मौर्य युग की पहली विशेषता है लकड़ी और मिट्टी के स्थान पर पत्थरों का इस्तेमाल। दूसरी विशेषता है पॉलिश, चमकदार पॉलिश का इस्तेमाल। तीसरी विशेषता है धर्म का प्रचार। तीसरी विशेषता क्या है? ये मौर्य कला थी जिसने बौद्ध धर्म को दुनिया का धर्म बना दिया। ये मौर्य कला थी जिसने बौद्ध धर्म को दुनिया का धर्म बना दिया। और सबसे आखिरी विशेषता, चौथी विशेषता है कि भारत में सबसे पहले कला शुरू हुई कब? देखो कोई नहीं, मैं बताता हूं। मनुष्य में तीन गुण होते हैं, सत्य, रज और तम। तुम में कौन सा है? तम किस में है बताओ, तम कौन बोला? देखो तीनों गुण एक साथ होते हैं, जब किसी एक गुण की अधिकता होती है ना। अरे कोई नहीं, तुम बच्चे तो लाओ, हम ईपी सिनेमा है ना उसको ले लेंगे, क्लास वहां लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सत का मतलब है देवताओं वाला गुण, हम में भी तीनों गुण है लेकिन जब सत गुण की प्रधानता होती है तो हम देवता बन जाते हैं, है ना। रज गुण ये मनुष्य में होता है, ये किस में होता है? मनुष्य में होता है। और तम ये पशुओं में होता है। तो इसका मतलब तो सात्विकता होती है कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, कौन तुम्हारा है जिसके लिए इतना रोना रो रहे हो। मनुष्य जीवन से ऊपर उठ जाता है ना, संसार से ऊपर उठ जाता है। और इस रजगुण का मतलब है कर्म करना, क्रियाशील होना। जैसे अभी 10 मिनट क्लास खाली है तो तुमने पेन चला दिया इस पे टेबल पे, कुछ तो करोगे ना। जमीन पे बैठ गए तो उसे खोद दिया, ट्रेन में बैठ गए तो उस पे नंबर लिख दिया अपना दीवार पे, है ना। पेड़ पे बैठ गए तो उसमें वो खाती चढ़ा होता है ना एक जानवर पक्षी वो भी तो एक कारीगर है, तो जब मैं कारीगरी पढ़ाऊंगा तो पहला नाम उसी का लिखाऊंगा, खाती चढ़ा। आपने इसको जबरदस्त टिपिकल बना रखा है, हिस्ट्री को आपने ऐसा माहौल बना रखा है कि ये टिपिकल याद नहीं होगी, ये इजी गोइंग है, इसके कुछ फंडामेंटल हैं। और तुम्हारे लिए बता दूं, मैं बीएससी हूं फिजिक्स से, है ना, महाराजा का ग्रेजुएट हूं मैं, तो मैं सबको सिखा दूंगा सबको, क्योंकि मैंने सीखी है, ये जन्मजात तो है नहीं। मेरा पेट डायलॉग है कि मैं 2 घंटे ये रिद्धि सिद्धि चौराहे पे भिखारी के साथ बैठूं ना तो 2 घंटे बाद वो कहेगा मैं भी पढ़ाऊंगा कल से। तो तुम तो यार इंटेलेक्चुअल बच्चे हो, नहीं तनाव लेना ही नहीं कभी भी, आप खुद को लेके शरीर खुद को लेके यहाँ आओ और इस शरीर के साथ आत्मा को यहाँ रखो। आप लिख के ले जाओ अच्छे से, हम जो टेस्ट लेंगे वो टेस्ट दे दो, फिर देखना आप। ये नॉन हिस्ट्री वाले जो हैं इनका एवरेज है सवाल सही करने का 13 कम से कम, और हिस्ट्री वालों का है 10। ये ज्यादा होशियार है ना, ये ज्यादा होशियार है हिस्ट्री वाले, ये ज्यादा दिमाग लगाएंगे और आपको आपको एवरेज आएगा तो आप तुरंत कर देंगे आसानी से। तो तम, तम का मतलब होता है निष्क्रिय। जब हम रात को कॉपी उठाते हैं और हमारे अंदर से आवाज आती है सो जा, तो कौन सा गुण? तम गुण, ठीक है। तीनों गुण होते हैं तो हमको कौन सा गुण लाना है? इसको हमेशा एक्टिव रखना है और इधर जाना है ना, प्रमोशन करना है, डिमोशन नहीं करना। तो जब वो हमारा जो पूर्वज था आदि मानव, जब वो जानवरों से डर के और गुफाओं में पहुंच गया तो उसके अंदर की तो रजोगुण है, वो भी तो कारीगरी करेगा, करेगा ना कारीगरी, तो उसने कारीगरी की, किस पे बैठा है वो? चट्टान पे बैठा है ना, किस पे बैठा है? चट्टान पे बैठा है। और उसके हाथ में क्या है? पत्थर है, पत्थर पे बैठा है, पत्थर ही हाथ में, छेनी कलम उसके पास किसकी है? पत्थर की है, तो उसने कर दी कारीगरी। तो भारत में सबसे प्राचीन जो कला है वो क्या है? शैल चित्र है। तनाव लेने ही नहीं, आगे जब गुप्त चित्रकला पढ़ाएंगे तो ये शब्द याद करना है, वहां पे मैं ही बता देता हूँ। भारत में सबसे प्राचीन जो कला है वो कौन सी कला है? शैल चित्र है। और किसके चित्र हैं वो?
अरे अपन अपने दिमाग में तात्कालिक जो खाका होता है वही तो खींचते हैं अपन, तो जानवरों से डर के गया है ना वहां, तो चित्र किसके बनाए? जानवरों के बनाए। अब थोड़ा इसमें एक कदम आगे बता देता हूं मैं, गुप्त कला में याद करना है अपने को ये। देखो ये हिस्ट्री वाले बोल रहे हैं पेट्रोग्लिफिक, पत्थर से पत्थर पे कारीगर करना क्या गलत है? तो भारत में सबसे प्राचीन चित्र शैल चित्र मिले हैं, वो कुछ विधि से बनाए गए हैं। आगे अपने फ्रेस्को ब्रूनो आला गीला आएगी ना ये, तो पहली फ्रेस्को ब्रूनो क्या थी? पेट्रोग्लिफिक। ऐसे चित्र राजस्थान में हाड़ोती क्षेत्र से बूंदी से सिसोन नमाना गरदड़ा आरणिया से मिले हैं, ठीक है। ये सब अपन उसमें पढ़ेंगे किसमें? गुप्त चित्रकला में। तो पहली जो कला है वो कौन सी कला है? शैल चित्र। उसके बाद सिंधु घाटी में मूर्तियां बनी है ना, वैदिक आर्यों ने कुछ नहीं किया। तो भारत में पहली कला प्रागैतिहासिक कला, दूसरी कला सिंधु घाटी कला, और तीसरी कला मौर्य कला। तो मौर्य कला भारत की प्राचीनतम कलाओं में से एक है। तो ये विशेषताएं हो गई, पहली विशेषता कला में पत्थरों का इस्तेमाल, ठीक है। दूसरी विशेषता चमकदार पॉलिशदार, तीसरी विशेषता धर्म का प्रयोग, चौथी विशेषता प्राचीनतम कलाओं में शामिल। तो लिख दो ये मौर्य कला की विशेषताएं, मौर्य कला की विशेषताएं, मौर्य कला की विशेषताएं। पहला लिखो, लकड़ी को बोलते हैं कास्ट, लकड़ी को क्या बोलते हैं? हाँ, तो थोड़ा लिखने में तो थोड़ा अच्छा लगता है ना कास्ट। ईंट और कास्ट के स्थान पर, ईंट और कास्ट के स्थान पर, लकड़ी के स्थान पर पत्थरों का प्रयोग, ईंट और कास्ट के स्थान पर पत्थरों का प्रयोग। दूसरा लिखो, चमकदार पॉलिश का इस्तेमाल, चमकदार पॉलिश का इस्तेमाल। तीसरा लिखो, धर्म का प्रचार, धर्म का प्रचार। और आखिरी लिखो, भारत की प्राचीन कलाओं में से एक, भारत की प्राचीन कलाओं में से एक, ठीक है। तो जब आपसे पूछे मौर्य कला की विशेषता नहीं है, तो आपको ये चार याद होने चाहिए, बस देख लेना कौन सा इनमें से मैच नहीं कर रहा है। और ये चौथा ही हटाते हैं अधिकतर, प्राचीन कलाओं में से एक है ना, इसी को हटा देते हैं, इसकी जगह कोई दूसरा लिख देते हैं। अब देखो, अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सम्राट अशोक के अभिलेख। एक सवाल सही करा देता हूं मैं आज ही, और आपसे जब भी कोई पूछे तो सबसे पहले यही पढ़ाया करो उसको कि ये पकड़ तू। देखो रुक जाओ, अब मतलब लिखाने के लिए मेरे पास चार लाइनें हैं, इसको समझना पड़ेगा। आप इसे समझ कर ही सही कर सकते हो, इसे रटने का कोई तरीका नहीं है। या फिर सम्राट अशोक के अभी तक 40 अभिलेख मिल गए और उनकी 163 फोटोकॉपियां मिल गई। अभिलेख संख्या में कितने मिले हैं और उनकी प्रतियां कितनी मिली हैं? 163। तो आप 163 रट लो। दूसरा तरीका भाई, या तो आप इस लॉजिक को समझ लो, या फिर आप 163 अभिलेख जो मिले हैं, एक अभिलेख की एक से ज्यादा प्रतियां भी तो मिली है ना, तो उनको रट लो। तो शायद मेरे हिसाब से पहला तरीका ज्यादा मुफीद है, ज्यादा अच्छा है ना, तो उसे समझो।
एक होता है क्या, अभिलेख। मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, आप कागज पर लिख रहे हो, आप में से कोई स्टूल पर लिख देगा, कोई दीवार पर लिख देगा, ये क्या कहलाएगा? अभिलेख कहलाएगा, है ना। लिखने के लिए लिपि चाहिए, बिना लिपि के ज्ञान के अपन लिख नहीं सकते। तो दुनिया में सब ये अभिलेखों का जो अध्ययन है ये कहलाता है एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी, ठीक है। लिखने के लिए क्या चाहिए? लिपि। लिपि का अध्ययन कहलाता है पैलियोग्राफी। लिपि का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलियोग्राफी। क्लियर। तो जब दुनिया में लिपि आई तो सबसे पहले कहीं आई होगी? मानव का उद्भव तो 20 लाख साल पहले हुआ, लेकिन लेखन कला आज से 5,500 साल पहले आई है। तो मानव ने अपने जीवन का 99% हिस्सा सीखने में बिता दिया, और जब उसने ये कलम पकड़ना सीख ली तो फिर देखो ना परिवर्तन, देखो कितनी तेजी से हो रहे हैं ना। तो सबसे पहले जो लिपि आई थी ना वो थी क्यूनिफॉर्म। वो कौन सी थी? इसे हिंदी में कहते हैं कीलाकार। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? कीलाकार। जैसे अपन कहते हैं कि ए ऐसा होता है, ए ऐसा होता है, के ऐसा होता है, ये तीन अक्षर है ना, मानी तो रखा है ये इमेज नहीं तो है ये। ए ने खुद जन्म लेके थोड़ी ना कहा देखो मैं ए हूं, नहीं कहा ना, ये मान रखा है। तो मिस जो मेसोपोटामिया के लोग थे, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की है, तो उन्होंने ही सबसे पहले लिखा। तो उन लोगों ने जो लिखा उन्होंने कील जैसे अक्षर बनाए। कील कैसी होती है आप देख लो, उन्होंने कैसे अक्षर बनाए? कीलाकार अक्षर बनाए, कील के आकार जैसे अक्षर बनाए। इसलिए उस लिपि को क्या कहा गया? दुनिया में दूसरी जो लिपि आई वो थी चित्रलिपि। वो कौन सी थी? मिस्र के लोगों ने जो लिखा, जैसे अपन ए लिख रहे हैं अंग्रेजी में, हिंदी में ए लिख रहे हैं, ये ए ऐसा लिख रहे हैं, तो इन्होंने ए का चित्र बना दिया कि ऐसा चित्र होता है भाई। इन्होंने कील बनाई और इन्होंने चित्र बनाए। ये लिपि मेसोपोटामिया की है, ये लिपि मिस्र की है। तो हम पीछे थोड़ी हैं, हमारी लिपि भी कैसी है? सैंधव लिपि। अब ये तो पढ़ ली, ये भी पढ़ ली, और ये नहीं पढ़ी गई, इसको नहीं पढ़ा गया। तो फिर भारत में जो पहली लिपि चली वो थी ब्राह्मी लिपि। वो कैसी थी? ब्राह्मी लिपि। तो भारतीय उपमहाद्वीप की ब्राह्मी लिपि मात्र लिपि है। दक्षिण एशिया की सभी लिपियों की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्राह्मी लिपि से हुई है। और मौर्य कला में पूरी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। तो भारत की कौन सी, भारत की सबसे प्राचीन लिपि जिसे पढ़ लिया गया है, और भारत की सबसे प्राचीन लिपि सैंधव लिपि, दो अलग सवाल है। भारत की सबसे प्राचीन लिपि तो कौन सी है? लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है, इसलिए वो लिपि जो प्राचीन भी है और तो वो कौन सी है? दक्षिण एशिया की सभी लिपियों का जन्म किससे हुआ? ब्राह्मी लिपि से हुआ, ठीक है। तो अभिलेख, जो कुछ भी अपन लिख रहे हैं कठोर होना चाहिए, कठोर। किसी भी कठोर सतह पर लिख रहे हैं, पटल पर लिख रहे हैं, दीवार पर लिख रहे हैं, चट्टान पर लिख रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? लिखने के लिए क्या चाहिए? दुनिया की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? ये मैं केवल इसको समझाने के लिए, वो लिखना नहीं, वो याद भी नहीं करना, ठीक है। अपने को तो ये याद करना है ना, दुनिया की सबसे प्राचीन लिपियों में अपनी सैंधव लिपि आती है, लेकिन उसको पढ़ा तो फिर नई लिपि कौन सी? तो मौर्य अभिलेख किस में आएंगे? ब्राह्मी लिपि में। और लिपि का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलियोग्राफी कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब लिखना सीख गए, और सिंधु सभ्यता के बाद का डेवलपमेंट है, तो फिर अपन लिखेंगे मानेंगे तो है नहीं, अपन तो हिंदुस्तानी है, ठीक है। अपन से कह दो कि भाई ये काम नहीं करना है, अब करना ही वही काम है, बाद में देखेंगे कि क्या होना जाना है। तो लिखना सीख गए, इन्होंने तो लिखा क्या, मिट्टी पर, और मिट्टी पर लिख के और उसे आग में पका लिया तो टेराकोटा बन गया, मजबूत हो गया। इन्होंने लिखा पेपिरस पेड़ के पत्ते पर। इन्होंने किस पे लिखा? अंग्रेजी में कागज को क्या कहते हैं? पेपर, इसी से निकला है। पेपर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो मिस्र के लोगों ने सिखा दिया कि पेड़ के पत्तों पर लिखा जा सकता है,
तो फिर हम कहां पे से रहने वाले हैं? हमने भी नारियल और खजूर के पत्ते काट लिए, उन पे लिख दिया, देखो बाइंडिंग कैसे आई, अस्तित्व में आई, है ना, ऐसे छेद करके और बाइंडिंग हो गई, चोकोर बना लिया ना कागज। तो ये नारियल और खजूर के पत्तों पे हमने जो लिखा, ये संस्कृत में कहलाया तालपत्र। संस्कृत में क्या कहलाया? नारियल और खजूर के पत्ते। नारियल और खजूर के पत्तों पे हमने जो लिखा वो संस्कृत में क्या कहलाया? तमिल में कहलाया ओलई। तो अपने को याद नहीं रखना, मैं वैसे ही बता रहा हूं, अपने को क्या याद रखना है? तालपत्र। अब हम शब्दों को बिगाड़ने में माहिर हैं, तो इस ताल को बिगाड़ के हमने क्या कर दिया? तो आपके आगे खूब आएंगे, ताड़पत्र मिला, ताड़पत्र मिला, तो पता चल गया ताड़पत्र क्या है। नारियल और खजूर के पत्तों पे लिखा तो क्या कहलाया? ये तो पूरे देश में लिखा जा रहा था। अब अपने जो हिमालय है, तो अपने हिमालय में एक पेड़ पाया जाता है बुरजू, है ना, तो वहां जो लोग रहते थे उन्होंने कहा भाई हम इसके पत्तों पे लिख देते हैं, वो कहलाए भोजपत्र। वो क्या कहलाते हैं? तो मिस्र के लोगों ने बताया सबसे पहले कि पेड़ के पत्तों पे लिखा जा सकता है, तो फिर हम भी सीख गए। तो हमने एक तो किस पे लिखा, वो क्या कहलाए, और बुरजू वृक्ष के पत्तों पे लिखा, वो क्या कहलाए, हो गया ना क्लियर। अब मानव ने सबसे पहले जिस धातु का इस्तेमाल किया वो थी तांबा, है ना, तो तांबा धातु मानव ने सबसे पहले इस्तेमाल करना सीखी, तो उसने तांबा पे लिखा तो वो कहलाए ताम्रपत्र। तांबा पे लिखा तो वो क्या कहलाए? ताम्रपत्र। ठीक है, अब तुम्हें तुमको मन में विचार आ रहा होगा कि ये क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ तो वो रहे हैं, है ना, तो सुनो ये क्यों पढ़ रहे हैं कि पेड़ के पत्ते पे लिख दिया, धातु पे लिख दिया, सम्राट अशोक ने कहा मैं लिखवाऊंगा बाटे पे, समझ गए, हो गया परिवर्तन, इसलिए पढ़ रहे हैं ये, कि तुम्हारे अंदर से अपच हो रही है, ये क्यों पढ़ रहे हैं। तो भारत में पत्थरों पे लिखने की शुरुआत भी किस काल से हुई? निर्माण में भी शुरुआत वहीं से हुई पत्थरों की, और अभिलेखों में भी कहां से हुई? मौर्य काल से हुई। तो मौर्य काल के जो सबसे प्राचीन अभिलेख मिले हैं, और इस बोर्ड पे पढ़ा के ऐसी फीलिंग आती है जैसे दोबारा से स्वर्ग मिल गया है क्या? नहीं, वो डिजिटल पढ़ा पढ़ा के और क्या, कोई हर कोई खड़ा हो गया, बनाई पीपीटी कि ये लो अब मैं पढ़ाता हूं उर्दू, और उस बोर्ड पे ऐसा लगता है कि इस बोर्ड को निकाल के फेंक देंगे यूट्यूब से, क्योंकि वो पीपीटी बना ली ना, उसको बांची तो रहे हैं, और तुमको भी बहुत इंटरेस्ट होता है कि हाँ बढ़िया चल रहा है, बढ़िया क्या चल रहा है, समय निकलेगा तब पता चलेगा आपको बढ़िया क्या होता है। अब देखो मौर्य जो शासक थे उनकी बात करते हैं, मौर्य शासक जो मौर्य डायनेस्टी है, एज है, वो दो पार्ट में होते हैं, एक तो होता है साम्राज्य, है ना, और एक होता है पतन उत्तर। तो साम्राज्य में शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, और बिंदुसार, बिंबिसार कौन बोल रहा है, और सम्राट अशोक। ठीक है, इन्होंने जो निर्माण कराए वो पढ़ने हैं अपने को, ये तो पुछल्ले बल्लेबाज थे, ये तो जम जाए तो 50 रन बना दे, नहीं तो इनसे कोई उम्मीद थोड़ी है कि कुणाल, दशरथ, संप्रति और वैदत्त, ये तो आए और गए। तो इन तीनों ने जो निर्माण करवाए वो अपने को पढ़ने हैं। तो जब अपने से पूछता है कि भाई मौर्य अभिलेखों में सबसे प्राचीन कौन सा है, तो अपने पहला दिमाग किसका आदरण चाहिए? ऑटोमेटिक आदरण चाहिए, क्योंकि पहला राजा कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, तो सबसे प्राचीन जो अभिलेख है वो चंद्रगुप्त मौर्य के ही हैं। सोहगरा और सोहगरा ताम्रपत्र और महास्थान शिलालेख। महास्थान तो है आज बांग्लादेश में, और सोहगरा कहाँ है? ये अपने बाबा के पास है, है ना, यूपी में है। तो सबसे प्राचीन मौर्य अभिलेख मिले हैं सोहगरा और किसके हैं ये? देखो तांबे का है ना, अभी बता रहा था ना मैं,
और ये दूसरा वाला किसका है? अब क्या है, ये खंडित मिले हैं यार, ये पूरे लिखे हुए नहीं मिले। तो ये केवल आइडिया है कि सम्राट अशोक ने तो तांबे पे कुछ भी नहीं लिखवाया, सम्राट अशोक ने तो कंप्लीट किस पे लिखवाया? पत्थर पे लिखवाया। तो इन अभिलेखों में जो पढ़ा गया है वो ऐसे लिखा हुआ है कि अनाज भंडार, अनाज के कोठार बनाए गए थे। तो फिर इतिहास में ऐसा कुछ नहीं लिखा जैसे अपन ऐसे बता रहे हैं, तभी तो अपना वो किताब पढ़ के दिमाग काम नहीं करता है। मतलब जो चीजें मिलती हैं उनके आधार पे व्याख्या होती है, ये सिस्टमेटिक तो अपन लोग बनाते हैं, सिस्टमेटिक थोड़ी है। तो जब कोई चीज मिलती है तो उसकी व्याख्या होती है, इसलिए विवाद होते हैं, क्योंकि एक ही लाइन की व्याख्या लोग अलग अलग। अब वो लिखा हुआ है रामायण महाभारत पुराण, उनमें उन लाइनों को लेकर एक एक लाख व्याख्याएं अलग अलग। तो ये जो अभिलेख मिले सोहगरा और महास्थान, इसमें क्या है कि ये खंडित मिले। तो इनमें लिखा हुआ है कि अनाज भंडार, अनाज के कोठार, कोष्ठागार, है ना? तो जाहिर सी बात है अनाज का भंडार कब होता है? अकाल के समय। और संभावना जताई गई है किसके हैं? तो लिखो सम्राट अशोक के अभिलेख, सम्राट अशोक के अभिलेख, हेडिंग लिखो सम्राट अशोक के अभिलेख। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। सर्वप्रथम मौर्य काल में ही, सर्वप्रथम मौर्य काल में ही सर्वप्रथम मौर्य काल में ही पत्थरों पर लिखने की परंपरा शुरू हुई, पत्थरों पर लिखने की परंपरा शुरू हुई। मौर्य अभिलेखों में सबसे प्राचीन सोहगरा ताम्रपत्र और महास्थान शिलालेख है। जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल पड़ने और अनाज वितरण का उल्लेख है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल पड़ने और अनाज वितरण का उल्लेख है। ये जगह नहीं लिखी क्या इनकी? हाँ, ये जगह साथ ही लिख लिया करो, आजकल बड़ी दिक्कत आ गई है, आजकल ये लोकेशन पूछने लग गए हैं। सोहगरा गोरखपुर में है और महास्थान बांग्लादेश में है। देखो ये जो सम्राट अशोक के अभिलेख है ना, ये अभी तक हमें कितने मिल गए हैं? 40। और इनकी जो प्रतियां मिली हैं फोटो कॉपी, वो कितनी मिली हैं? 163 मिली हैं। इन अभिलेखों का जो लेखक है वो है चपड़। अभिलेखों में लेखक का नाम क्या मिलता है? चपड़। और सम्राट अशोक के अभिलेखों में उसकी रानी कारुवकी और पित्र
तीवर का उल्लेख है, जो डीआर भंडारकर हैं इन्होंने अभिलेखों के आधार पर सम्राट अशोक का इतिहास लिखा। ये जो अभिलेख मिले हैं ना, इनको आधार बना के सम्राट अशोक का इतिहास लिख दिया किसने? तो सम्राट अशोक के जो नवीनतम, अच्छा ये तो पहला पहला बताएंगे तभी तो नवीनतम बताएंगे। जो इतिहास लेखन होता है ना, इसमें एक विचारधारा होती है ओरिएंटलिस्ट, जिसे कहते हैं प्राच्यवादी, है ना। इसका एक नाम और है इंडोलॉजिस्ट। जब अंग्रेज यहां आए, जब भी कोई जाति किसी दूसरे देश में जाती है और वहां अपना शासन जमाती है, तो उसका प्राइमरी मोटो यह होता है कि ये उपनिवेश वासियों को, ये कॉलोनी वालों को डिमोटिवेट करो। और डिमोटिवेट किस आधार पर करेंगे? लेखन के आधार पर, कि तुम दबे कुचले हो, हबसी हो, तुमको रहना नहीं आता, तुमको शासन करना नहीं आता, तुम्हारा समाज गंदा है, तुम्हारी संस्कृति गंदा है, पूरी दुनिया में दिक्कत है ये। तो इन्होंने भी लिखा अपने बारे में, तो अपने बारे में इन्होंने लिखा, उसकी एक विचारधारा थी कौन सी? तो ये ओरिएंटलिस्ट दो भागों में थे। ओरिएंटलिस्ट का यह मानना था कि प्राचीन काल में भारत का धर्म दर्शन और संस्कृति अच्छी थी, इतनी बुरी नहीं थी जितनी तुम बता रहे हो। ये भी यूरोपियंस ही हैं, ये भी भारत में अंग्रेजों का ही शासन चाहते हैं, लेकिन ये थोड़ा हम पे एहसान करके चाहते हैं। तो ये दो भागों में बटे, एक तो इन्होंने हमारे, तुम्हारे वो ब्रिटिश भारत में शिक्षा आएगी ना, वहां तुम पढ़ते हो आंग्ल प्राच्य विवाद, बस डायरेक्टली रट लेते हो क्या है, उसकी जड़ देखो क्या है ना। भारतीय धर्म दर्शन और संस्कृति अच्छी थी, भारतीयों को शिक्षा इनकी भाषा में दो, वो लोग है ना, वो लोग यहां भी कुछ कर रहे हैं, वो देखो। इन्होंने धर्म ग्रंथों का आलोचनात्मक अध्ययन किया। धर्म ग्रंथों का कैसा अध्ययन किया? इनमें शिखर पुरुष थे मैक्स मूलर, अब तो ध्यान आ गया होगा, सीक्रेट बुक ऑफ द वेदाज जर्मनी का था, भारतीय वेदों का अनुवाद किया। दूसरा था हेनरी टी कॉलब्रुक, क्लियर। दूसरे हैं जिन्होंने नई खोजें की, जिन्होंने सिक्के अभिलेख और स्मारक खोजे, इनमें हैं जिससे अपने को काम है, जेम्स प्रिंसेप और उसका उत्तराधिकारी अलेक्जेंडर कनिंघम। आज जैसे आपको हिस्ट्री का लेक्चर बनना है, हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं मैं, तो आपको हिस्ट्री से एमए करनी पड़ेगी, है ना, नेट करनी पड़ेगी या बीएड करनी पड़ेगी, तब बनोगे, तब आप पीएचडी करोगे, तब आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा और फिर आप इतिहासकार कहलाओगे। ये जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, इनमें कोई भी इतिहासकार नहीं था, इनमें से अधिकांश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे। जेम्स प्रिंसेप कलकत्ता की टकसाल में एसए मास्टर है, वो सिक्कों के ऊपर जो लिखा जाता है वो ये लिखता था, और बन क्या गया देखो, ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले कौन पढ़ेगा, पता ही कौन लगाएगा, ऐसा नहीं था। ये तो बहुत बहुत बाद में हमको बताया गया कि ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिना कोई भी डिग्री हासिल किए कुछ भी हासिल कर सकते हैं जिंदगी में, हाँ नौकरी नहीं लग सकते क्योंकि सरकार ने उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कर रखी है। जो राहुल संस्कृतन पढ़ते हैं अपन, आधुनिक भारत का सबसे बड़ा बौद्ध दार्शनिक है ना, केदारनाथ पांडे, वो तो आठवीं पास ही था, वो तो आठवीं पास ही था। तो ये जो ओरिएंटलिस्ट थे, इनकी एक शाखा भारत में क्या कर रही है, खोज कर रही है ना, पुरातत्व की खोज कर रही है। तो 1750 में
पेड्रे, पादरी, टिफिन थेलर को दिल्ली में, आज बात कर रहे हैं अपन, उस समय थोड़ी पता था इसको क्या है ये, दिल्ली में सम्राट अशोक का अभिलेख मिल गया, दिल्ली मेरठ, मेरठ में रखा हुआ था, दिल्ली लाए थे तो क्या कहलाता है। इस अभिलेख को 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने दिल्ली टोपरा अभिलेख को अंग्रेजी में प्रकाशित कर दिया। तो ये ब्राह्मी लिपि में है, ये किस लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में है। आप ही बताता हूं मैं, लिपियों की बात है ना, पहले अभिलेख खोज रहे हैं। सम्राट अशोक का पहला अभिलेख कब मिला, किसे मिला, कहां मिला, दिल्ली में मिला। ये सम्राट अशोक के अभिलेख सबसे पहले किसने पढ़े, कब, कौन सा, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का श्रेय किसे है, जेम। ये क्या करता, अब अभिलेख तो मिल गए, ये क्या करता कि ये सुबह सुबह बैठ जाता अपनी टेबल पे, और टेबल पे बैठ के और वो चार्ट रख देता यूं आगे, और एक एक अक्षर को दूसरे अक्षरों से मिलाता। तो एक दिन जब ये लंच करके बैठा हुआ था तो एकदम से इसके दिमाग में कुछ आया, जैसे अपन रात को जब सो जाते हैं अपने दिमाग में कुछ आता है ना, तो उसने तुरंत ही वो फाइल खोली और अक्षर मिला लिए, और वो तारीख थी कौन सी, 1837 की। लेकिन इसने केवल ब्राह्मी लिपि पढ़ी है, ये अभी तक ये नहीं बताया है कि ये सम्राट अशोक है, क्योंकि सम्राट अशोक की एक उपाधि थी देवानाम प्रियदर्शी, और उस समय बौद्ध ग्रंथों में देवानाम प्रियदर्शी श्रीलंका के राजा की भी उपाधि थी। तो इसने कह दिया ये तो श्रीलंका का राजा है, ये गड़बड़ हो गई ना। तो 1915 में जाके पता चलेगा कि ये सब कौन है, सम्राट अशोक है। तो लिखो, इसको उतारो ना तुम डायरेक्ट यार, ये मैं सेंटेंस बनाऊं, उतार लोगे तो लिखो, एक लाइन लिख दो, एक लाइन में लिखा देता हूं मैं। भारतीय औपनिवेशिक इतिहास लेखन की, भारतीय औपनिवेशिक इतिहास लेखन की प्राच्यवादी परंपरा ने, भारतीय औपनिवेशिक इतिहास लेखन की प्राच्यवादी परंपरा ने प्राचीन भारत के, प्राचीन भारत के सिक्के, अभिलेख और स्मारक खोजे, जिसमें प्रतिनिधि व्यक्ति थे, जेम्स प्रिंसेप और कनिंघम, जिसके प्रतिनिधि व्यक्ति थे जेम्स प्रिंसेप और कनिंघम। पैराग्राफ चेंज कर दो। अभी तक सम्राट अशोक के 40 अभिलेख, और इनकी अभी तक सम्राट अशोक के 40 अभिलेख और इनकी 163 प्रतियां मिल चुकी है, 163 प्रतियां मिल चुकी हैं। अभिलेखों
में लेखक का नाम, अभिलेखों में लेखक का नाम चपड़ रानी कारुवकी, एक ही लाइन में लिख दो ना, अलग अलग लिखेंगे। लेखक का नाम चपड़ रानी कारुवकी और पुत्र, और पुत्र तीवर का उल्लेख है। तीवर का उल्लेख है। डी आर भंडारकर ने, डी आर भंडारकर ने अभिलेखों के आधार पर सम्राट अशोक का इतिहास लिखा। पैराग्राफ चेंज कर दो। सम्राट अशोक ने ही सर्वप्रथम पत्थरों पर लिखवाने की परंपरा, शुरू की। सम्राट अशोक ने ही सर्वप्रथम पत्थरों पर लिखवाने की परंपरा शुरू की। दिल्ली में पादरी टिफिन थेलर को सम्राट अशोक का दिल्ली मेरठ अभिलेख मिला। परंतु वह इसे पढ़ नहीं पाया। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ लिया, और दिल्ली टोपरा अभिलेख को, अंग्रेजी में प्रकाशित कर दिया। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी का, कलकत्ता टकसाल में, कर्मचारी था। तो ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का श्रेय किसे है? जेम्स प्रिंसेप को है। तो ये मिल गए ना अभिलेख। तो अब लिख देंगे अपन सबसे जो नवीन अभिलेख मिले हैं सम्राट अशोक के, वो रतनपुरवा और घुरहोतवा है। दोनों यूपी में है,
दोनों कहाँ हैं? यूपी में, लिख दो। सम्राट अशोक के सबसे नवीनतम अभिलेख, सम्राट अशोक के सबसे नवीनतम अभिलेख रतनपुरवा और ध्रुवोत्वा है। रतनपुरवा और ध्रुवोत्वा है, दोनों यूपी में है। सम्राट अशोक के सबसे नवीनतम अभिलेख कौन से मिले हैं? रतनपुरवा और ध्रुवोत्वा है। तो सम्राट अशोक का पहला अभिलेख किसे मिला था? टिफिन थेलर को। कहाँ मिला? और सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसे है? हालांकि उसने गड़बड़ कर दी थी, उसने गलत पढ़ लिया, उसने कहा ये तो श्रीलंका का राजा है, लेकिन उसके करेक्शन को ठीक करेंगे अपन अभी आगे। देखो अब जिसकी अपन बात कर रहे थे, जिस मुद्दे पे पहुंचने के लिए इतनी सारी बातें की, वो देखो अब कोई नहीं लिखेगा, सब समझो इसे, आप इसे समझ गए बस कोई दिक्कत ही नहीं है। ये मौर्य कला का कोर कंपोनेंट है, आप इसे समझ गए पूरा क्लियर है। आगे आप इसे नहीं समझे, आप आज इस क्लास में नहीं है, आगे मौर्य कला पढ़ने का कोई मतलब नहीं है फिर। ये तो भारत है और ये अपना बिगड़ा हुआ छोटा भाई है ना, और ये अफगानिस्तान, और ये पाकिस्तान, और यहाँ ईरान है। सही है क्या? चलो ठीक है। अब देखो, अभी मैंने कहा सम्राट अशोक के 163 अभिलेख मिले हैं, या तो वन बाई वन रट लो, या फिर जो मैं सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं आप इसे याद कर लो, हमेशा सवाल सही होएगा हमेशा। रात को भी आंखें बंद करके आपसे कोई पूछेगा तो किताब खोलने की जरूरत नहीं, आप तुरंत जवाब दो कि बस ये, बस आपको ये पता होना चाहिए ये जगह कहाँ है। अब ये तो फिर आपको मैं भूगोल सिखाने तो आया नहीं हूं, ये तो आपको खुद को ही सीखनी पड़ेगी। तो भारत में सम्राट अशोक के जो भी अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में है, और उसकी भाषा क्या है? प्राकृत है। भारत में सम्राट अशोक का जो भी अभिलेख मिला है उसकी लिपि क्या है और भाषा क्या है? देखो अब आप खुद ही जवाब दोगे। टिफिन थेलर को 1750 में दिल्ली मेरठ अभिलेख मिला, बताओ लिपि कौन सी है? कैसे पता चला? भारत में ना, जेम्स प्रिंसेप ने दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ लिया, कौन सी लिपि है? दिल्ली भारत में ही है, भारत में ही रहेगी सदैव। बहुत सारे लोगों ने उसे लेने का प्रयास किया लेकिन पार नहीं पड़ी। ठीक है, ईरान में एक राजा हुआ, डेरियस पहला, इसको हम कहते हैं दारा, वो डेरियस डी वी, तो हमको बोलने में इजी रहती है ना, तो हमने उसको दारा कह दिया। डेरियस को हमने क्या नाम दे दिया? हमने दिया है नाम। तो ये ईसा पूर्व 520 में इस क्षेत्र में आ गए थे, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, यहां से आ गए ना, ये पूरा क्षेत्र ईरान के अधीन चला गया था। आज से 2500 साल पहले भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र किसने जीत लिया था? कहां का राजा था ये? ईरान का राजा था। ठीक है, ये जो ईरानी हैं, ये बोलते हैं अरेमाइक लिपि, इनकी लिपि कौन सी है? अरेमाइक। और अपनी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। ब्राह्मी से अपडेट हुई है देवनागरी। ठीक है, अपनी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। और ये कौन सी? ये क्षेत्र चला गया इनके अधीन, बड़ी दिक्कत हो गई। शासक जाति कौन सी भाषा बोल रहे हैं? अरेमाइक। और हम कौन सी बोल रहे हैं? भाषा प्राकृत। इनकी भाषा भी अरेमाइक है, ईरानी बोल रहे हैं, ईरानी भाषा जो है वो अरेमाइक लिपि से है, और हम बोल रहे हैं प्राकृत ब्राह्मी लिपि वाली।
तो दोनों साइड से पता ही नहीं चल रहा कि वो क्या कह रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं। वो भी खुश और अपन भी खुश कि समझ में क्या आया कि कुछ ही नहीं है। तो अब ये तो इनका शासन क्षेत्र था, तो राज कैसे करें यार? राज की भी तो कोई मर्यादा होती है ना। तो इसको बाद के एग्जाम्पल से समझो आप, बहुत बाद के एग्जाम्पल से। अंग्रेज यहां आए, लेटेस्ट बात करते हैं, वो आपकी अच्छी समझ में आएगी। अंग्रेज आए यहां और शासन जमा लिया उन्होंने। आए तो व्यापार करने थे, लेकिन देख लिया कि ये तो बटे पड़े हैं, आपस में लड़ते हैं, तो फिर अपन उनके अधीन हो गए। अब उनको यहां राज करना था, तो राज करने के लिए कर्मचारी चाहिए ना, वो कहां से लाएंगे? इंग्लैंड से लाएंगे क्या? तो इंग्लैंड खाली हो जाएगा। इंग्लैंड से लाएंगे तो इंग्लैंड खाली हो जाएगा ना, और फिर अपन इंग्लैंड चले गए तो पूरे यूरोप को दिक्कत हो जाएगी। भाई अपन हमेशा से क्या है, होलसेल पे हैं, थोक में हैं, खूब हैं अपन हमेशा से ही। जब धरती पे 10 लोग थे तो 2 यहां थे। तो फिर इन्होंने तय किया कि यार इनका ही इस्तेमाल करो, और कोई भी जाति हो, मरी से मरी हो, एडवांस से एडवांस हो, किसी भी क्षेत्र के लोग कभी ये नहीं चाहते कि शासन हमारे ऊपर कोई दूसरा करे। सब ये चाहते हैं कि शासन में हमारी भी हिस्सेदारी हो। तो ये नियम भी पूरा करना था। तो फिर पता है ना, इन्होंने स्कूल खोले, हमको अंग्रेजी सिखाई, हमने हाथों हाथ अंग्रेजी सीखी, और हम इनके बाबू बन गए। बन गए ना बाबू, हो गया कॉम्बिनेशन, हो गया ना। फिर क्या है कि हम ना अंग्रेजी सीखे ना हिंदी के रहे, तो हम इंग्लिश सीख गए। मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, फिर आप, हम क्या सीख गए? इंग्लिश सीख गए। तो अंग्रेजी भी हमने हिंदी के तरीके से सीखी है ना, यही तो है। पहले यार, पहले अपन अंग्रेजी बोलते हैं, पहले उसका हिंदी में सेंटेंस बनाते हैं। अंग्रेजी भी हमने किससे सीखी? वो इसलिए हमारे समझ में नहीं आ रही है आज तक कि हम अंग्रेजी में नहीं सोच पा रहे हैं। इसलिए भाषा की एक आत्मा होती है हमेशा, आप बिना उस तक पहुंचे उसे नहीं सीख सकते। इसलिए जो भी कोई आपको संस्कृत का स्टूडेंट मिलेगा ना, आप देखना कभी भी उसे, वो इतना ज्यादा अनुशासित मिलेगा, उसमें इतनी ज्यादा गुरु भक्ति मिलेगी। जैसे संस्कृत वालों से कह दो कि 1 घंटे यहां बैठे रहो, तो 1 घंटे बैठे रहेंगे, और इतिहासकारों से कह दो कि 1 घंटे यहां बैठे रहो, तो ये अगले मिनट सब रोड पे मिलेंगे। भाई भाषा का प्रभाव है ना यार, संस्कृत सिखाते ही गुरु भक्ति है। तो हम अंग्रेजी सीखे तो अंग्रेजी तो सीख नहीं पाए, और हिंदी से और हाथ धो बैठे तो हम क्या हो गए? इंग्लिश हो गए। समझ गए बात? अब ये ईरानी आए, ये क्या बोल रहे हैं? और हमारे पास क्या है? तो मिलेगी ना दोनों, इसलिए एग्जाम्पल दिया मैंने। ये एग्जाम्पल समझ में आया क्या आपके? तो एक और एग्जाम्पल समझो फिर, अगर समझ में नहीं आता तो फिर नहीं समझाता। भाई एक ही समझ में नहीं आ रहा, दूसरा कैसे समझाएं फिर? मध्यकाल में मुसलमान यहां आए है ना, और थोड़ा पीछे चलो, मुसलमान यहां आए, मुसलमान बोलते थे फारसी, उससे थोड़ा और पीछे चलो, मुसलमान ईरान में आए है ना। अभी मैंने कहा ना मिट गए मिस्र रोम यूनान, तो ईरान भी मिट गया था, ईरान में आए ये, इन्होंने ईरान को जीत लिया। ईरानी बोलते थे, ईरानी जो बोलते थे फारसी, ईरानी क्या बोलते थे? फारसी। तो जब इन्होंने देखा यार ये तो बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, इनका तो बैठने का सलीका बहुत जोरदार है, इनका तो खाने का स्टाइल बहुत जोरदार है, तो ये मुसलमानों ने भले ही ईरान जीता, लेकिन ये ईरानी कल्चर से हार गए। अरब से आए थे ना, रेगिस्तान से, तो इनका तो सब कुछ अरेबिक था, अब ईरान में आके ये फारसी हो गए। ईरान में आके क्या हो गए? फारसी कल्चर अपना लिया। वहां भी हुआ ना कॉम्प्रोमाइज, तो हुआ ना। तो जब फिर ये भारत में आए तो कौन सी भाषा लेके आएंगे? फारसी। मूल भाषा तो इनकी अरेबिक थी, लेकिन ये ईरानियों से समर्पण कर बैठे उनकी संस्कृति के सामने, तो ये फिर ज्यादातर सर्वाइव नहीं कर पाए। तो अब ये यहां आ गए, यहां आ गए तो इनकी भाषा क्या थी? फारसी। और अपन क्या बोल रहे थे? अरे अपन भाषा कौन सी बोल रहे थे? प्राकृत। प्राकृत बोल रहे थे ना, उस समय अपनी एक भाषा थी जो आज हिंदी बन गई है, बोल रहे थे ना ये। तो हम में से बहुत सारे हिंदुओं ने फारसी सीखी, और हमारे बहुत सारे लोग मुसलमानों के साथ शासन में सहयोगी हो गए ना, हुआ ना कॉम्बिनेशन।
कॉम्प्रोमाइज हुआ ना, तो अब यहां भी ये कॉम्प्रोमाइज होएगा, यहां भी ये कॉम्प्रोमाइज होएगा। प्राकृत और फारसी के कॉम्बिनेशन से हमारे यहां हिंदी अस्तित्व में आई। पहले हिंदी थोड़ी ना थी, पहले हिंदी नहीं थी, जब फारसी आई और हमारी प्राकृत थी तो दोनों के कॉम्बिनेशन से हिंदी बनी। अमीर खुसरो तोता है हिंद, ठीक है। तो अब ईरानी यहां आ गए, ईरानी कौन सी लेके लिपि लेके आएंगे, अपने पास कौन सी है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ यहां और एक नवीन लिपि अस्तित्व में आई, खरोष्ठी। कौन सी लिपि अस्तित्व में आई? खरोष्ठी। लिपि तो अलग अस्तित्व में आ गई, अंग्रेजी तो सीख ली हमने, लेकिन हमारी आत्मा क्या है बोलो ना यार, हिंदी है ना। अंग्रेजी तो सीख ली हमने, लेकिन हमारी आत्मा क्या है? हमने फारसी तो सीख ली, लेकिन हमारी आत्मा क्या थी? प्राकृत थी। तो यहां कॉम्बिनेशन तो हो गया अरे माई कार ब्राह्मी का, लेकिन आत्मा क्या है? तो लिपि भले ही खरोष्ठी रही, भाषा क्या रही? हो गया क्लियर? तो भारत में कौन सी लिपि है, भाषा कौन सी है? पाकिस्तान में कौन सी लिपि है, भाषा क्या है? प्राकृत। क्लियर? अभी अफगानिस्तान है ना, गर्मी लग रही है कि तुमको क्या यार, तुम जिस स्कूल में जाओगे वो पंखा भी गिन के घूमेगा, है ना, ठीक है। अच्छा वहां एसी लगाओगे, देखो कोई दिक्कत नहीं है, तुम ध्यान ही मत दो ना यार कि गर्मी है, इग्नोर करो गर्मी को। अब देखो माइंड काम नहीं कर रहा क्या, एसी के नीचे बैठे हो आप, जब भी काम नहीं कर रहा, अभी सुनो अभी इसको, अब प्रिय टॉपिक खत्म हो जाएगा, तुम अभी थोड़ी देर संघर्ष और करो ना। तो अफगानिस्तान में जगह कौन सी, यहां से द्विभाषी मिला है, ये लेख कैसा मिला है, इतिहास की एक जनरलाइजेशन है, कोई भी अभिलेख कोई भी चीज जिस जगह से मिलती है उसका नाम उस जगह के नाम पे, सरे कुना से अभिलेख मिला तो नाम क्या हो गया, सरे कुना, ठीक है। और अगर जयपुर से मिलता तो, बैराट से मिला तो, कालीबंगा से मिला तो, और हड़प्पा से मिला तो, जगह के नाम पे नामकरण है। तो ये दो भाषाओं में मिला, अरेमाइक लिपि और यूनानी लिपि। अच्छा यूनानी कैसे आ गई, खरोष्ठी तो पता चल गया ना, ये यूनानी कैसे आ गई, अरेमाइक तो ईरानी है, अभी बताया ना अरेमाइक तो ईरानी है, और अपनी कौन सी है, और हमने इनसे कोलोबरेशन किया तो नवी। अच्छा ये कहाँ है यूनानी, सिकंदर आया था ना, अलेक्जेंडर आया था ना ईसा पूर्व 325 में, तो उसकी एक विशेषता ये थी, उसे यूनानियों ने इसलिए मार दिया क्योंकि वो आगे बढ़ता जा रहा था और अपने लोग वहां बसाता जा रहा था, वो ये चाहता था कि सबका एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित, उसने जो स्थानीय कबीले थे उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो जब यूनानी यहां बस गए तो वो अपनी लिपि तो चलाएंगे ना, तो यूनानी कौन लेके आया, अलेक्जेंडर, और अरेमाइक कौन लेके आए, ईरानी, और खरोष्ठी कैसे आई, अरेमाइक और ब्राह्मी के। तो यहां से अफगानिस्तान से ही एक जगह और है लंगमान, वहां से मिला है किसमें, अरेमाइक में ही मिला है, किससे मिला है, अरेमाइक लिपि में मिला है। अब देखो ये क्लियर हो गया, भारत में कोई भी मिलेगा तो उसकी लिपि और भाषा, पाकिस्तान में भाषा, ये भाषा भी है लिपि भी है ना। तो आपसे पूछे तो लिपि कितनी है, सम्राट अशोक के 40 अभिलेखों में लिपि कितनी है, कौन कौन सी, क्लियर। सम्राट अशोक के 163 अभिलेखों की भाषा कितनी है, बोलो ना,
कौन कौन सी? इन दोनों की तो प्राकृत है और ये यूनानी और यही लॉजिक है। ये खरोष्टी की भाषा प्राकृत क्यों है? ये इतनी देर से समझाने के लिए माथापोड़ी कर रहा था मैं। लिपि चार है और भाषा, अरे खरोष्टी की भाषा भी क्या है? इसे समझ लो वैसा आप फॉर एवर, कभी सवाल गलत नहीं होगा। देखो अब तोते की तरह बोलोगे तुम, है ना? सम्राट अशोक का अभिलेख शाहबाज गढ़ी से मिला जो पाकिस्तान में है, बताओ लिपि। सम्राट अशोक का अभिलेख पाकिस्तान के मानसेरा से मिला, कौन सी लिपि है? सम्राट अशोक का अभिलेख धौली और जौगढ़ से मिला, ये दोनों उड़ीसा में हैं, कौन सी लिपि है? सम्राट अशोक का अभिलेख उत्तराखंड देहरादून के कालसी से मिला, कौन सी लिपि है? सम्राट अशोक का अभिलेख बंबई के सोपारा से मिला, कौन सी लिपि है? सम्राट अशोक का अभिलेख गुजरात के गिरनार से मिला, कौन सी लिपि है? ब्राह्मी, पक्का। सम्राट अशोक का अभिलेख आंध्र प्रदेश के अर्रेगुड़ी से मिला, बताओ कौन सी लिपि है? ये लो, तो पिछले पेपर्स पलट के देखना कि कितनी बार ये पूछ रखा है, और फिर हम वहां एक एक को रटते हैं। रटने की जरूरत ही नहीं है, इसको समझने की जरूरत है कि ये लिपियों का और भाषाओं का वर्गीकरण किस आधार पे हुआ। कहां तक रटेंगे हम? 163 हैं, 10 रट लेंगे, 15 रट लेंगे, फिर अपने को तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मिला कहां है, लोकेशन ध्यान रखनी है। अच्छा तो मुझे बताओ कि ये शाहबाज गढ़ी मंसर, ये जो मिले हैं अभिलेख, इनकी भाषा क्या है? प्राकृत भाषा है सबकी, ये तो पाकिस्तान में मिले हैं। पाकिस्तान वाले की प्राकृत है क्या? क्यों? खरोष्टी लिपि की भी भाषा क्या है? प्राकृत है। तो सम्राट अशोक का कोई भी अभिलेख भारत से मिलेगा उसकी लिपि भाषा, सम्राट अशोक का कोई भी अभिलेख पाकिस्तान से मिलेगा उसकी लिपि, इसमें एक अपवाद आएगा तक्षशिला, वो यूनानी में है, है ना? अपवाद है, वो एक ही अपवाद है, क्योंकि तक्षशिला ज्ञान का केंद्र था, यूनानी वहां पढ़ने आ गए होंगे, अपना अभिलेख छोड़ दिया होगा। अरे उनको संबोधित करने के लिए सम्राट अशोक ने यूनानी में लिखवाया होगा ना, क्योंकि उनके बाकी समझ में नहीं आएगा। और अफगानिस्तान में अरेमाइक लिपि में कौन सा मिला है, और द्विभाषी कहां से मिला है? सम्राट अशोक का एक ही अभिलेख मिला है जो दो भाषाओं में, कौन सा है? कौन सी लिपियों में? अरेमाइक और यूनानी। ये एक सवाल फिक्स है तुम्हारा, कोई नहीं छीन सकता तुम्हें इससे, अगर तुम्हें ये पता है तो। तो सम्राट अशोक के अभिलेख कितनी भाषाओं में? तीन भाषाओं में, कौन कौन सी? प्राकृत, अरेमाइक और। सम्राट अशोक के अभिलेख कितनी लिपियों में है, कौन कौन सी? क्या बात है, तुम तो सीखे, डिमोरलाइज मत करो मेरे को ज्यादा। ये बनाओ, ये मैप बनाओ, वो मत बनाना, मैप बनाओ पहले। हाँ, लिखने के लिए लिपि चाहिए, आप बिना लिपि को जाने नहीं लिख सकते। जैसे आप उर्दू नहीं लिख सकते जब तक आपको उर्दू की लिपि नहीं पता है। बोलने के लिए तो अक्षर और संकेत चाहिए, ठीक है? सोचो ही मत, ऐसे गर्मी पड़ रही है ना, भूख, नींद, प्यास, सर्दी, गर्मी, ये सिर्फ क्या है? ये सिर्फ एहसास है। अभी तुम्हारे सामने कोई खाना खाने लग जाएगा तो तुमको ऐसा लगेगा कि मैं अभी, है ना, क्या हुआ, प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ आ रही है, मुझे नहीं पता है, मुझे कैसे पता चलेगा प्रॉब्लम आ रही है? कमेंट कौन पढ़ेगा, इनको ही समझाने में माथा पड़ी होती, इनको कमेंट और पढ़ो।
अरे ये क्या, जिस मैकेनिक ने ये लगाई है ना, उसको क्या साइंस नहीं आती थी गधे को कि जब तक इसके सामने दूसरा एसी नहीं लगाएगा वो एसी इफेक्ट नहीं करेगा। पर उसने देख लिया ना कि पाइप बच जाएगा, तो एक सेकंड में इसके सामने एसी लगाना था, फिर अभी लगवा देंगे, तुम जब पास हो जाओगे तो एक एक एसी हमको गिफ्ट। पाकिस्तान नहीं दिख रहा, पाकिस्तान अपने पास आने ही वाला है, बस थोड़े दिन दिक्कत है, थोड़े ही दिन की दिक्कत है बस। वो खुद ही कहेंगे मिला लो, और तुम मना करोगे नहीं मिलाएंगे। बहुत दिक्कत है ना वहां, बहुत हद से ज्यादा दिक्कत है। तो तुम कहोगे कि यार हम इनको मिला के अब क्या ही करेंगे, फालतू में हमारा खर्चा और बना दिया। एक मैप ही तो बनाना था यार। तो ये सम्राट अशोक के अभिलेख पढ़ लिए अपन ने, है ना, मिटा दूं ये वाला मिटाना है बस, उससे तो काम है आगे, केवल मैप बनाना है। वो तो शिलालेख हैं, शुरुआत वहीं से तो होगी। ऐसे तुम नीचे इनकी लिपियों को लिख दो ना एक एक लाइन, ताकि तुमको ध्यान रहे, है ना। वो मैं ऐसे कहता हूँ, स्टूडेंट क्या है कि वो गांव में सूदखोर महाजन है ना, उन्हीं की पीढ़ी के हैं, लिखा हुआ इनको ज्यादा याद रहता है, समझना हुआ कि वो कहते हैं ना लिखा है तो बता। तो इनको लिपियों के बारे में एक लाइन लिख लो आप, तो आपको इजी रहेगा बाद में जब पढ़ोगे ना। कई बार कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग से बाहर हो जाता है, तो सबसे पहले लिखो ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे प्राचीन लिपि जिसे पढ़ लिया गया है। अभी पीछे रह गए क्या? केवल ये मैप बनाना है बस, वो नहीं बनाना। ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे प्राचीन लिपि जिसे पढ़ लिया गया है, इसे दक्षिण एशिया की मातृलिपि कहते हैं, इसे दक्षिण एशिया की मातृलिपि कहते हैं। इसे दक्षिण एशिया की मातृलिपि कहते हैं। इसकी भाषा प्राकृत थी, इसकी भाषा प्राकृत थी। दूसरा लिखो खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि ईरानी अरेमाइक, ईरानी अरेमाइक, अरेमाइक लिपि और ब्राह्मी लिपि, ईरानी अरेमाइक, ईरानी अरेमाइक लिपि और ब्राह्मी लिपि के मिश्रण से यह लिपि अस्तित्व में आई। जिसकी भाषा प्राकृत रही, जिसकी भाषा प्राकृत रही। तीसरा लिखो अरेमाइक लिपि, अरेमाइक लिपि यह ईरानी लिपि थी। यह ईरानी लिपि थी। और चौथा लिखो यूनानी लिपि, यूनानी लिपि। अलेक्जेंडर सिकंदर के आक्रमण से, अलेक्जेंडर सिकंदर के आक्रमण से उत्तर पश्चिमी भारत में, अलेक्जेंडर सिकंदर के आक्रमण से उत्तर पश्चिमी भारत में
यूनानी लिपि का विकास हुआ। उत्तर पश्चिमी भारत में यूनानी लिपि का विकास हुआ। देखो अब सम्राट अशोक के अभिलेख हैं, ये ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि के आधार पर तीन भागों में है। कौन कौन से? शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। देखो चट्टान पे लिख दिया तो क्या हो गया? और ये अपने कमरे में पिलर नहीं है कहीं, नहीं तो पिलर पे ये रहा ना, ये पिलर पे लिख दिया तो क्या है, और गुफा में लिख दिया तो अच्छा। शिला अगर बड़ी है तो, और अगर छोटी है तो ऐसे स्तंभ छोटा और बड़ा बनाओ। ये लिख दिया क्या? तो पहला लिख दो वृहत शिलालेख, पहला कौन सा है? वृहत शिलालेख जो अभी ये लिखे हुए ना साइड में, देखो भाई शिलालेखों में पहला पढ़ेंगे कौन सा? वृहत शिलालेख। देखो इनकी संख्या कितनी है और स्थान कितने हैं? और आठ स्थान ये रहे तुम्हारे सामने, है ना? तुम बताओ मुझे ये क्या पता चला? इससे अपना लिख दिया संख्या 14 और स्थान 8, इससे क्या पता चला तुमको? आप बताओ। हाँ 14 लेख है 8 स्थान, प्रत्येक शिलालेख पे 14 लेख 8 स्थानों से। आप बताओ कहाँ से हो आप? दौसा से? तो बता। क्या क्या थी?
प्रति होएगी उसकी, कैसे? और कौन बताएगा इधर से? आप बताओ, चश्मा लगा रखा है ना, टी शर्ट पहन रखी है, भाई संख्या 14 लिखी हुई है और स्थान कितने हैं? तो फर्स्ट इंप्रेशन क्या जाता है हमारे दिमाग में? हाँ, तो क्या संख्या क्या? हाँ बता, अरे बड़े वाले पढ़ रहे हैं ना। हाँ हाँ सर बोलो। मतलब वृहत शिलालेख 8 स्थानों से मिले हैं जिनकी संख्या, हाँ तो ये संख्या क्या है? देखो, सम्राट अशोक भारत का पहला राजा हुआ जिसने अपनी जनता को संबोधित करने के लिए क्या, सम्राट अशोक भारत का पहला शासक हुआ जिसने अपनी जनता को संबोधित करने के लिए अभिलेख लिखवाए। तो जनता साम्राज्य के विभिन्न भागों में रहती है तो उसकी भाषा बोली भी अलग अलग होगी, इसलिए उसके अभिलेखों पर अलग अलग लिपियां हैं। क्योंकि अभिलेख किसके लिए हैं? उसकी घोषणाएं हैं, उसके आदेश हैं, उसकी आज्ञाएं हैं, ठीक है। तो उसने जो आज्ञा दी, उसके वृत्त शिलालेखों पे उसके जो आदेश हैं, उनकी संख्या है 14। तो अपन जनरली ऐसा मान लेते हैं कि एक किताब है जिसके लेसन 14 हैं, उसकी उसने फोटोकॉपी करवा दी और अभी तक वो फोटोकॉपी कितने स्थानों से मिल चुकी है? ये 8 स्थानों से मिल चुकी है, ठीक है। अपन ऐसा नहीं कि एक जगह से दो मिले हैं, वो संख्या का मतलब कितने किससे है? 14 राजकीय घोषणाओं से है, उसके राजकीय आदेश हैं। प्रत्येक पे कितने हैं? हालांकि प्रत्येक पे नहीं है, है ना, लेकिन फिर भी जनरलाइजेशन ऐसा कर लिया जाता है। तो देखो, ये जो शाहबाजगढ़ी अभिलेख है ना, ये पाकिस्तान के पेशावर जिले में है और इसे महाराजा रणजीत सिंह के जनरल, फ्रेंच जनरल था, जनरल भी कैसा, फ्रेंच, फ्रांस का था, कोर्ट उसने खोजा। शाहबाजगढ़ी अभिलेख जो पाकिस्तान के पेशावर में है उसे महाराजा रणजीत सिंह के जनरल फ्रेंच कोर्ट ने, फ्रांसीसी था ये, तो महाराजा रणजीत सिंह, आज जो पाकिस्तान है पूरा वो महाराजा रणजीत सिंह का ही तो शासन क्षेत्र था। और ये जो मानसेरा है ये पाकिस्तान के हजारा जिले में है और इसको खोजा कनिंघम ने। इसे किसने खोजा? अलेक्जेंडर। हाँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ये पहले नहीं बताता था कि आगे ये सवाल आएंगे, पूछते पूछते कुछ बचा नहीं है, अब यही बच रहा है, तो आप खोजकर्ता पूछेंगे, है ना। कितना टिपिकल सवाल पूछा पिछली बार, सम्राट अशोक के अभिलेखों से, स्तंभ लेखों से संबंधित कथन सही नहीं है। तो जो ज्यादा ज्ञानी थे उनको लगता था कि इतने टिपिकल तो फिर क्या करें, कहीं ऐसा लगता है इतना सारा क्यों पढ़ा रहे हैं, ऐसा मान लो मेरे को आता है इसलिए, नहीं आता तो कैसे अपन कौन होते हैं ये तय करने वाले कि सवाल क्या आएगा? अपन टॉपिक ही तो पढ़ा रहे हैं, अब उसमें कम और ज्यादा क्या होता है? टॉपिक तो है ना सिलेबस में, तो आगे निश्चित तौर पे ये लिस्ट पूछी जाएगी कि कौन सा अभिलेख किसने खोजा, शिलालेख, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए। तो ये जो धौली है, धौली वाला खोजा कैटो ने और जोगड़ वाला खोजा इलियट ने। जोगड़ वाला किसने खोजा? और देहरादून में तो जंगल खूब है, ठीक है ना। हाँ, और महाराष्ट्र में भगवान लाल इंदिराजी सोपारा, जिसका प्राचीन नाम सुपार रख है,
ये जो अर्रे गुडी है इसे खोजा किसने, किसने खोजा? अनुघोष ने। ब्राह्मी लिपि है ना? मैं ब्राह्मी में लिख रहा हूं, तुम भी ब्राह्मी में लिख रहे हो। ब्राह्मी का विकसित रूप है आज देवनागरी। अपन लिखते हैं लेफ्ट से राइट, इधर से लिख रहे हैं ना। जब खरोष्ठी लिखी जाएगी तो वहां से शुरू करेगा आदमी, उधर से यूं राइट से लेफ्ट। ये जो अरे गुडी है ये लेफ्ट से राइट में, अरे गुडी किसमें है? अरे राइट से लेफ्ट में, किसमें है? तो ये तो खरोष्ठी लिपि हुई ना। तो उस एरोगुडी स्थान पर इसे बोलते थे हलावर्त शैली। हलावर्त शैली। तो डायरेक्ट सवाल बन गया, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख है जो किस लिपि में लिखा हुआ है? हलावर्त शैली में लिखा हुआ है, जो राइट से लेफ्ट में लिखा हुआ है। बाकी सब तो किसमें है? ब्राह्मी लिपि में। ये बायां दायां में मतलब वो हो जाओगे कंफ्यूज, तो राइट लेफ्ट ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। अब ये जो गिरनार है, जगह नहीं रही यार, गिरनार जूनागढ़ कहाँ? गुजरात में। और ये सम्राट अशोक के जो वृहत शिलालेख हैं वो तो पर्वतीय लेख ही हैं, चट्टान पे तो मिले हैं, तो ये भी कैसा है? पर्वतीय लेख है, ठीक है। और ये अपने घोड़े वाले बाबा ने खोजा, हाँ इसका सन याद रखना है, ये अपने घोड़े वाले बाबा ने खोजा इसलिए। और सम्राट अशोक के शिलालेखों में यही सबसे सुरक्षित है वर्तमान में। है ना? ये वो पर्वत है जिस पे पहले शक राजा रुद्रदामन और गुप्त राजा स्कंद गुप्त ने लेख लिखवाया। तो गुप्तों से तो पहले है ना, कौन? मौर्य पहले है ना। तो इस पे किसका लेख मिलता है? चंद्रगुप्त का भी मिलता है और सम्राट। हाँ सबसे महत्वपूर्ण है ये, कि ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहां झील है सुदर्शन। यहां झील थी कौन सी? तो उस सुदर्शन झील को बनवाया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। रुद्रदामन कह रहा है कि मैंने इसकी मरम्मत करवाई, ठीक है। उसी झील की मरम्मत करवाई किसने? और बाद में उसी की मरम्मत कराई किसने? तो झील के बारे में है इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है। तो सम्राट अशोक के वृहत शिलालेख 8 स्थानों से मिले हैं जिन पे उसकी 14 राजकीय घोषणाएं अंकित है। सम्राट अशोक भारत का पहला राजा हुआ जिसने अभिलेखों के द्वारा अपनी जनता को संबोधित, लिखो ये लाइन, सम्राट अशोक, देखो एक एक कमेंट आया है, एक शिलालेख एक से ज्यादा स्थान से मिले हैं इसलिए 14 हैं। वेरी गुड। हाँ तो वो तो मनुष्य की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं वो देश काल परिस्थितियों पर डिपेंड नहीं करती। अपनी जो दिक्कत है वही एक अंग्रेज की भी दिक्कत है, वही एक अमेरिकन की भी दिक्कत है, क्योंकि वो भी तो मानव है। तो जो अपन में कमी है सब दुनिया में वही कमी है। तो अपने को पता ही अपने में क्या क्या कमी है। सम्राट अशोक भारत का पहला शासक था जिसने छोड़ दें क्या और पढ़ाएं, तू बता देना जब छोड़ दें। सम्राट अशोक भारत का पहला शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया। पैराग्राफ चेंज कर दो। वृहत शिलालेखों पर
वृहत शिलालेख सम्राट अशोक के पर्वतीय लेख हैं। वृहत शिलालेख सम्राट अशोक के पर्वतीय लेख हैं। जिस पर उसकी 14 राजकीय घोषणाएं अंकित हैं। अभी तक ये घोषणाएं 8 स्थानों से मिल चुकी है। अभी तक ये घोषणाएं 4 स्थानों से सॉरी अच्छा मैं बोल रहा हूं 4 हैं 8 स्थानों से मिल चुकी है। 8 स्थानों से मिल चुकी है। तो पहला लिखो शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान। शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान। शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान। इसमें लिखो महाराजा रणजीत सिंह के फ्रांसीसी जनरल। महाराजा रणजीत सिंह के फ्रांसीसी जनरल कोर्ट ने इसे फ्रांसीसी जनरल कोर्ट ने इसे ढूंढा खोजा। खोजना थोड़ा अच्छा शब्द है। ठीक है नंबर 2 लिखो। मैं फिर कह रहा हूं नेक्स्ट सवाल निश्चित तौर पे पूछा जाएगा। क्या तुमसे पूछा जाएगा या आगे पूछा जाएगा लेकिन हाँ निश्चित तौर पे सवाल पूछा जाएगा। अब ये हो सकता है अपने से पूछ ले या फिर अपन चाहेंगे अपने से ही पूछे। क्यों दूसरे पे क्यों टालते हो अपने को याद है ना भाई। परिवर्तन की शुरुआत अपने से ही होनी चाहिए ना। तो अपन आने वाली पीढ़ियों से कह सकेंगे कि हम गवाह थे या फिर वो पूछेंगे तुम क्या कर रहे थे कि हम फेसबुक। तो दूसरा लिखो मानसेरा। मानसेरा ये भी पाकिस्तान में है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा। अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा। लिख दिया। तीसरा धोली चौकट रहने तो धोली चौकट लास्ट में। धोली चौकट में अलग चीज है ना एक पता है ना तुमको। फिर लिखो कालसी देहरादून। कालसी देहरादून। और देहरादून कहाँ है उत्तराखंड में। इसे फॉरेस्ट ने खोजा। इसे फॉरेस्ट ने खोजा। फिर लिखो सोपारा अथवा सुपारक। सोपारा का पहले नाम क्या था सुपारक। सोपारा अथवा सुपारक। महाराष्ट्र जगह का नाम लिख बंटी। महाराष्ट्र। इसे भगवान लाल इंदिरा जी ने खोजा। भगवान लाल इंदिरा जी ने खोजा। भगवान भी है और इंद्र भी है दो चीज एक साथ है। फिर लिखो अरेगुड़ी आंध्र प्रदेश। अरेगुड़ी आंध्र प्रदेश। अरेगुड़ी आंध्र प्रदेश। यह एकमात्र शिलालेख है जो दाएं से जो राइट से लेफ्ट
जो दाएं से बाईं ओर लिखा गया है, इसे स्थानीय हलावर्त शैली में लिखा गया है, इसे स्थानीय हलावर्त शैली में लिखा गया है, हलावर्त शैली में लिखा गया है, इसे अनुघोष ने खोजा, अनुघोष। अभी खरोष्टी है ना, लेकिन खरोष्टी नाम नहीं दे रहे तो अपन क्या करें? मैं अपनी ओर से थोड़ी बता दूंगा कि भाई ये खरोष्टी है, लिखो। नाम क्या दे रहे हैं इसे? हलावर्त शैली दे रहे हैं। अब लिखो गिरनार जूनागढ़ गुजरात, गिरनार जूनागढ़ गुजरात लिख दिया। इसे 1822 में कर्नल टॉड ने खोजा, इसे 1822 में कर्नल जेम्स टॉड ने खोजा, इसे 1822 में कर्नल जेम्स टॉड ने खोजा, सम्राट अशोक के शिलालेखों में सबसे सुरक्षित अवस्था में है, सम्राट अशोक के शिलालेखों में सबसे सुरक्षित अवस्था में है, लिख दिया। चलो फिर अब एक सवाल पूछ लूं, पक्का? लिखना नहीं है वैसे, ये ना समझ जाओगे तुम, इंटेलिजेंट बच्चे हो। जूनागढ़ अभिलेख से, गिरनार जूनागढ़ एक ही बात है ना, जूनागढ़ अभिलेख से निम्नलिखित में से किस शासक का लेख नहीं मिला? सवाल सुन लिया? जूनागढ़ अभिलेख में निम्नलिखित में से किस शासक का अभिलेख नहीं मिला? एक येरा और एक, सबको अपने विवेक से जवाब देना है। एग्जामिनर में आप अपने साथ किसी को लेके नहीं जाओगे, या कोई वहां आपकी मदद के लिए होगा? होगा क्या? नहीं होगा ना। तो सब विवेक काम में लो और आप पहुंच जाओगे जवाब तक, अगर आपने खुद का विवेक काम में लिया तो। बस यही तो बाकी था। ये क्वेश्चन आएगा? मैं इतनी देर से सोच रहा हूं, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? सवाल क्यों नहीं पूछ रही हो? ये कैसे चल रही है? चलो अपन सवाल जारी रखते हैं ना, क्या दिक्कत है? कि जूनागढ़ अभिलेख है ना, तो जूनागढ़ अभिलेख में किस एक शासक का लेख नहीं है? रुद्रदामन, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक। चंद्रगुप्त का नहीं है? क्यों? लो आपने आते ही लाइट, इधर आ जाओ, सीट खाली है आपके लिए, सीट अभी ये रही, एक और खाली है। हाँ, अब तू आएगा तो बुलाएंगे ना। ये लो, बंटी ये टूटने वाली है, ध्यान रखना, इधर बैठ जा इस पर। नहीं तो कुर्सियां कम हो गई क्या? उधर होगी ना एक और, नहीं है? अरे बताओ, जवाब दो ना। चंद्रगुप्त? कैसे पता चला? इन्होंने लिखवाया होगा। हाँ बताओ पीछे से,
अरे तुम यार गर्मी की इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? शरीर नश्वर है और आत्मा का परमात्मा से मिलन होकर रहेगा, तो क्यों इसके लिए इतनी माथाफोड़ी कर रहे हो? देखो सुनो, चंद्रगुप्त ने यहां झील बनवाई थी, चंद्रगुप्त चला गया, फिर सम्राट अशोक ने यहां झील बनवाई, सम्राट अशोक भी चले गए, फिर शक आए, कोई शक है ना, और उनका राजा आया कौन? उसने 150 ईस्वी में एक लेख लिखवाया संस्कृत में, जो तत्कालीन दुनिया का संस्कृत का सबसे बड़ा लेख था, विश्व रिकॉर्ड। उसका रिकॉर्ड तोड़ा अपने राज सिंह ने, नौचौकी शिलालेख। आगे ध्यान, सब जानते हो, तुमको बस बताने की जरूरत है। तो इसने झील बनवाई, फिर इसने मरम्मत करवाई, फिर इसने मरम्मत करवाई, और इसने लेख लिखवाया, और इसने ये कहा कि मिलॉर्ड ये झील मैंने नहीं बनवाई, ये तो चंद्रगुप्त ने बनवाई थी, वो भला आदमी था, मैं तो इसकी मरम्मत, तो बेसिकली ये बहुत भला था, नहीं तो ये लिखवा देता मैंने बनाई है, कह सकता था ना। लेकिन इसने कहा नहीं, ये झील उसने बनाई है, मैं तो इसकी मरम्मत, और फिर इसकी मरम्मत करवाई किसने? इसने भी लेख लिखवा दिया। तो वो सुदर्शन झील के लेख तो यहां दो ही हैं, स्कंद गुप्त के और रुद्रदामन के, और वो तो वहां सम्राट अशोक की वो 14 घोषणाएं मिल गई अलग से, उन घोषणाओं में नहीं कहा इसने कि झील बनवाई है, ये उल्लेख तो कौन कर रहा है कि इसने बनवाई, फिर इसने मरम्मत करवाई, और मैं फिर मरम्मत, और ये भी क्लियर हो गया। तो यहां क्योंकि सम्राट अशोक के तो ये 14 शिलालेख अलग से मिले हैं, तो यहां किसका लेख नहीं है? हालांकि उल्लेख तो है, लेकिन उसका सेपरेट कोई लेख नहीं है। चलो इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम, समझ जाते हो। कहां लिखवाया अपन ने? सबसे सुरक्षित अवस्था में यहां से सक राजा रुद्रदामन और गुप्त राजा स्कंद गुप्त के भी लेख मिले हैं। यहां से सक राजा रुद्रदामन और गुप्त राजा स्कंद गुप्त के भी लेख मिले हैं। यहां से सक राजा रुद्रदामन और गुप्त राजा स्कंद गुप्त के भी लेख मिले हैं। लिख दिया, कितने 6 हो गए ना। 7 वाली को धौली उड़ीसा, इसे कैटो ने खोजा। धौली की खोज किसने की? कैटो ने। जोगड़ में लिखो, इसे इलियट ने खोजा। इसे किसने खोजा? इलियट ने खोजा। जोगट, इसे इलियट ने खोजा। इलियट लिख दिया। तो देखो, शाहबाजगढ़ी अभिलेख किसने खोजा? किसका जनरल था ये? महाराजा रणजीत सिंह का। और मानसेरा किसने खोजा? और धौली किसने खोजा? और जोगड़, कालसी, और सोपारा, और गिरनार घोड़े वाले बाबा ने, और अर्रेगुड़ी अनुघोष ने। ठीक है, तो ये जो शिलालेख हैं इनमें सबसे सुरक्षित कौन सा है? गिरनार। देखो तो पाकिस्तान से सम्राट अशोक का शाहबाजगढ़ी शिलालेख मिला, ये किस लिपि में है? और भाषा? पाकिस्तान के हजारा जिले से मानसेरा अभिलेख मिला, ये किस लिपि में है? खरोष्ठी में। पक्का? चलो फिर तो। तो अब अपने पास है कौन से? लो ये भी हटा देते हैं,
धौली और जोगट। ये जो 14 घोषणाएं है ना, ये चैप्टर लास्ट में बताएंगे, अभी अपन ने शुरुआत की है। बहुत सारों के हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने पिछले 1500 साल पहले हिस्ट्री पढ़ी थी, अब पढ़ रहे हैं, तो क्या एकदम से डर जाएंगे? तो वो नहीं, वो आखिर में आपको तब तक तो फील आने लग जाएगी कि हाँ हिस्ट्री एक बहुत अच्छा, क्यों नहीं हमने इससे एमए कर ली, होती तो आज ये बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। जब ये फीलिंग आने लग जाएगी तब अपन वो 14 घोषणाएं, और वो जल्दी आ जाएगी। तो अभी अपन बात कर रहे हैं किसकी, धौली और जोगड़ की। एक बात देखो, ये जो 14 शिलालेख है ना, शिलालेखों की संख्या कितनी है, 14 है, इसमें 13वें नंबर पे लिखा हुआ है, 13वां जो लेख है ना उसमें ये लिखा हुआ है कि सम्राट अशोक ने, देखो थोड़ा और पीछे चलते हैं, ये इतिहास में क्या है, पीछे बहुत चलना पड़ता है। कब की बात है, बिंदुसार मर गया कब, ईसा पूर्व 273 में, है ना, ये जो बिंदी थी ये मिट गई कब, हाँ बिंदियां थी ना उसके शरीर पे यार, तभी तो नाम बिंदुसार है। तो बिंदुसार 273 में मर गया। अब उसके बेटे थे, और जो अशोक है वो राजा बन गया कब, 273 में। लेकिन भाइयों ने इसका विरोध किया, क्योंकि अशोक ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, अशोक बड़ा बेटा नहीं था, तो भाइयों ने इसका विरोध किया। तो ये क्या है कि 4 साल तक अपने भाइयों को एडजस्ट करता रहा, और फिर इसका राज्य अभिषेक कब हुआ, राजा तो बन गया लेकिन वो जो राज्य अभिषेक होता है वो 4 साल लग गए, क्यों लग गए, भाइयों से संघर्ष कर रहा था ना। तो बौद्ध ग्रंथ कहते हैं अपने 99 भाइयों का वध करके सम्राट अशोक आखिरकार राजा, ये बकवास है, उसके 5 भाई थे, है ना, पता लगा लिया मैंने। तो अब देखो, अब इसका राज्य अभिषेक 269 में हुआ है, इसके 8 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, कब आएंगे 8 वर्ष, ईसा पूर्व 261 में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सब कुछ जीत के दिया था अपने पुत्रों को, बचे हुए को बिंदुसार ने जीत लिया। यहां बगल में ये कलिंग, ये बाकी रह गया था, आज का उड़ीसा, और ये तो मगध के बगल में भी है, राजधानी के बगल में भी है। तो सम्राट अशोक फिर एक दिन चल दिए किधर, कलिंग की ओर, और वो बात कब की है, इस समय कलिंग का राजा था कौन बताओ, ऐसे एक जनरल आइडिया है, बाकी उसके राजा का नाम आज तक पता नहीं चला है, केवल ऐसे ही जनरल की नंदराज, तो नाम नहीं है उसका नंदराज, वंश है ये नंदराज, ठीक है, नाम नहीं है उसका, तो नाम का पता नहीं है। तो ये था, और उसको शाहरुख खान को पता चल गया था, तो फिर उसने पिक्चर बनाई इसके ऊपर, तो उसको ऐसा सदमा लगा कि दोबारा उसने गुस्ताखी नहीं की। ऐसे कैसे कर सकते हो आप, इतिहास को पता नहीं है ये पता लगा लेते हैं। तो ये राजा है, तो सम्राट अशोक लड़ा। अब यहां बहुत सारी बातें हैं, उनमें से एक बात ये है कि ये कलिंग की सेना ने सम्राट अशोक की षड्यंत्र से मारने की पूरी योजना बना ली थी, और सम्राट अशोक की जो प्रधान नौकरानी थी वो कलिंग की थी, और सम्राट अशोक उसे उलाना देते रहते थे। उसने कहा हाँ कलिंग मेरी मातृभूमि है, मुझे इस बात का गर्व है, लेकिन मैं सेवा आपकी कर रही हूं। तो उसने अपनी जान बचा, अपनी जान देके अशोक की जान बचा ली। तो इतिहास ये कहता है कि इसीलिए उसने कलिंग युद्ध बंद कर दिया था। बौद्ध उसे दूसरे तरीके से कहते हैं, हृदय परिवर्तन हो गया था, है ना। तो ये युद्ध हुआ, और इस युद्ध में 1,00,000 कलिंग की सेना मार दी और 1,50,000 को बंदी। ये बात उसने अपने कौन से शिलालेख में लिखवाई कि मैंने अपने राज्य अभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर अभियान किया, 1,00,000 सैनिक मार दिए, 1,50,000 को बंदी, सब जगह लिखवा दी, सब जगह कि या तो तुम मेरी बात मान लो, नहीं जैसा मैंने कलिंग में किया है वैसा ही मैं तुम्हारे साथ करूंगा। सबने मान ली ये बात। अब जो ये धौली और जौगढ़ में जो शिलालेख संख्या है 11, 12 और
ये गायब करवा दिए इसने, और इनकी जगह दो अलग से लिखाए। कल अरे इनको तो पता ही है कि हमारे यहां युद्ध हुआ था, इसने हमारा क्या हाल किया। वहां उनको दिखाएगा कि ताकि वो सुबह सुबह जगते ही देखेंगे अच्छा, तो वहां तो नहीं लिखवाएगा ना ये बात, उनको तो पता है ना इसने हमारे साथ क्या किया है। तो इसने वहां से फिर ये शिलालेख हटवा दिया और उसके साथ दो और हटवा दिए, 11वें 12वें, और इन तीनों की जगह इसने दो अलग से लेख लिखवाए और उसमें लिखवाया कि जैसे एक पिता अपने पुत्रों के कल्याण की कामना करता है, उसी तरह मैं कलिंग के लोगों की कल्याण की कामना इस लोक में और परलोक में करता हूं। कलिंग के निवासियों का कल्याण इस धरती पर भी हो और मृत्यु के बाद भी हो। मेरे सेवक इसके बारे में मुझे हमेशा सूचना देवें। मैं चाहे भोजनशाला में रहूं, मैं चाहे बगीचे में रहूं, मैं चाहे रनिवास में रहूं, लेकिन मैं अपनी प्रजा के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। ये बात लिखवाई उसने कहां? कहां? वहां क्या नहीं है? कलिंग युद्ध की जानकारी कहां है? कहां है? अभी तो कल्याण की बात है ना, उनके जले हुए पे मरम ही तो लगाएगा, वो नमक थोड़ी लगाएगा। तो इसलिए ये धौली और जौगढ़ में जो दो अलग लेख हैं, ये कहलाते हैं पृथक कलिंग प्रज्ञापन। पृथक कलिंग, पृथक का मतलब तो अलग होता है और प्रज्ञा होता है कल्याण, तो भाई कलिंग के लोगों का अलग से कल्याण हो। तो कलिंग युद्ध की जानकारी सम्राट अशोक के कौन से लेख से मिलती है? 13वें लेख से। और कलिंग युद्ध की जानकारी कहां से नहीं मिलती है? धौली और क्यों नहीं मिलती है? वहां युद्ध हुआ ही वहां था, वहां के तो बच्चे बच्चे को पता है। और जब कोई जाति इस तरीके से हारती है तो वो अपने अपमान का बदला लेती है। इनमें कालांतर में एक राजा हुआ 200 साल बाद, खारवेल, वो मगध तक गया, बदला लिया उसने अपने पूर्वजों का, और मगध जाके वहां से जिनसेन की मूर्ति उठा लाया और लिखवा दी इसने ये बात कि मैंने अपने पूर्वजों का बदला ले लिया है। हाथी गुंफा अभिलेख। तो कलिंगवासी इस पराजय को भूले नहीं कभी भी, हालांकि सम्राट अशोक ने भरसक प्रयत्न किए कि वो लोग इस बात को, लेकिन नहीं, कैसे भूल जाएंगे। तो लिख दो, ऐसे लिखो हेडिंग, पृथक कलिंग प्रज्ञापन। पृथक कलिंग प्रज्ञापन। पृथक कलिंग प्रज्ञापन। सम्राट अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8 वर्ष बाद सम्राट अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा। जिसका उल्लेख 13वें शिलालेख में करवाया। जिसका उल्लेख 13वें शिलालेख में करवाया। परंतु धौली और जौगढ़ शिलालेख से, धौली और जौगढ़ शिलालेख से ग्यारह बारह और तेरह लेख हटा दिए। 11, 12 और 13 लेख हटा दिए। इनके स्थान पर दो अलग लेख अंकित करवाए।
इनके स्थान पर दो अलग लेख अंकित करवाए जिनमें जिनमें कलिंग के जिसमें कलिंग की प्रजा के कलिंग की प्रजा के कल्याण की कामना की गई कलिंग की प्रजा के कल्याण की कामना की गई इसलिए धौली और जौगढ़ को धौली और जौगढ़ को पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहते हैं धौली और जौगढ़ को पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहते हैं ठीक है तो कलिंग युद्ध की जानकारी कहां से मिलती है और कहां से नहीं मिलती है पृथक कलिंग प्रज्ञापन कौन से शिलालेख हैं धौली और घोड़े वाले बाबा ने कौन सा शिलालेख खोजा था ये एक याद रख लोगे तो भी बहुत संभावनाएं उत्पन्न हो जाएंगी ठीक है उसमें दम की बात है एक तरफ तो तुम किसी के दो थप्पड़ मार दो और फिर उसे कहो अहिंसा परम धर्म बताओ तो हजम नहीं होगी ना बात तो वो भी हटवानी पड़ी फिर इसको तो फिर अपन इसके बाद कल पढ़ेंगे क्योंकि कल लघु शिलालेख शुरू करेंगे अब वो होएगा है नहीं तो फिर वापस से वहीं से शुरू करना पड़ेगा